A very good evening to every one of you. This is Pankaj Ajit. Hopefully you're doing very well and you're taking care of all the coping up with all the challenges given to you. Today's challenge which we are going to discuss is 75 MCQs, that is multiple choice questions. And all these MCQs are more or less related to your ALT studies. But there's जो मयूर सर ने आपसे मॉर्निंग में कहा भी था कि ALT की स्टडी और आपकी क्लैट की स्टडी जो होती है वो एक दूसरे को हैंड इन हैंड चल रही होती है, कंपेटिबल होती है ना, कॉम्प्लीमेंट कर रही होती है. तो हियर इन वी आर गोइंग टू डिस्कस 75 क्वेश्चंस और मोर ऑर लेस ऑल दीस क्वेश्चंस हैव अर्लियर बीन डिस्कस विद यू. जो हमारे सेशंस इसके पहले हुए हैं, जो क्लाइड जीपीटी हुआ है, टॉप 1000 जीके क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं, उसके पहले भी स्टार्टेड विद क्विजडम. तो इन ऑल दीस सीरीज वी हैव डिस्कस दीस क्वेश्चंस एंड आई हैव चूजन दीस 75 क्वेश्चंस फ्रॉम द ट्रेजर ऑफ ऑल दोस नो डिस्कशंस अर्लियर. And these questions are more or less they are very much manageable and you can score a very higher number in these questions. So challenge is ki how much higher you can score, how many of you can get past the score of 60 out of 75. That is the challenge with you people, right? So I am going to start these questions, but I am still assuring you all these questions have already been seen by you. If you have gone through these series, apne PDF padhe hain या कि फिर आपने सेशन अटेंड किए हैं, तो आप इन सभी क्वेश्चंस को इत्मीनान से आंसर कर पाएंगे. एंड ऑल दीज क्वेश्चंस आर फ्रॉम वेरियस टॉपिक्स एज टोल्ड, नेशनल, इंटरनेशनल, अवार्ड्स, अपॉइंटमेंट्स, ऑल दीज टॉपिक जो हम डिस्कस करते हैं उन्हीं में से इन क्वेश्चंस को लिया गया है. विल टेक केयर ऑफ दैट, डोंट वरी, विल सर विल टेक केयर ऑफ दैट बेटा, हो जाएगा. पहले यहाँ डिस्कस कर ले, विल आई स्पीक ऑन दैट पार्ट ऑल्सो. चलिए, तो आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन आई एम स्टार्टिंग विद. एंड आई होप एवरी वन ऑफ यू, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर आई एम गोइंग टू शूट द क्वेश्चन एंड यू नीड टू रिवर्ट द मोमेंट यू लुक एट द क्वेश्चन. आपको रिवर्ट करना है बिकॉज विद इन सम टाइम, विद इन मे बी फ्यू सेकंड्स, आई विल बी कमिंग अप विद द आंसर्स टू एंड अ शॉर्ट डिस्कशन ऑन दैट पार्ट. होपफुली आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल, तो जस्ट कन्फर्म मी एंड वी विल स्टार्ट विद दिस. I am fine, doing great. Regarding your newspaper analysis, we are in the last leg of our preparation. So more or less, we are more so concerned with the revision part now. And that is the reason this complete challenge series is there. And already the MI is being sent across to you. So there is no need for the discussion right now. More or less, you need to put in your focus on this revision part only. Okay, so with this, I'm going to start. This is the question number one for you. A very simple question, and every one of you should be able to answer. Carbon border adjustment mechanism is being introduced by which of the following entity, may it be a group or a country. किसके द्वारा इसे release किया जा रहा है, किसके द्वारा इसे लाया जाएगा, beginning from this 2026. And this is going to be a problem for India because lot of our import जो हम लोग वहां भेज रहे होते हैं, export जो कर रहे होते हैं, उस पर इसका असर होने वाला है. So all of you are requested to answer once only. केवल एक बार answer करिए. Don't try to spam it. Just once. See, is the answer correct? Most of you. In fact, every one of you answer correctly. हमारा यह answer होगा European Union. European Union द्वारा beginning from year 2026 कुछ carbon जो emission tax हो ना, कि carbon border adjustment tax लगाए जाएंगे, जिसका हमारा जो import वहाँ पर जो export होता है ना, specifically steel, aluminium, fertilizer, electricity, cement, hydrogen का, उस पर असर पड़ेगा. और अगर अखबार पढ़ रहे हो तो पीयूष गोयल जो हमारे मंत्री, उनके द्वारा बोला गया है कि इवन वी आर गोइंग टू रिवर्ट अकॉर्डिंगली, हम लोग भी आगे जाकर के ऐसा टैक्स लगाने वाले हैं. तो हम लोग के द्वारा भी वही एक्शन जो है ली जाएगी. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज एफएटीएफ ने रशिया को सस्पेंड कर दिया था. और ध्यान रखिए, रशिया की मेंबरशिप को एफएटीएफ द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था. आपको केवल ये बताना है कि वॉज रशिया फर्स्ट सच कंट्री और देयर बीन अदर नेशंस जिनकी मेंबरशिप को इसके पहले सस्पेंड किया गया है. तो एफएटीएफ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहां पर आपसे उन पर जो ग्रे लिस्ट एंड ब्लैक लिस्ट की बात नहीं की गई है, सस्पेंशन की बात की गई है. सस्पेंशन की बात की गई है कि अब रशिया को सस्पेंड किया गया. वॉज रशिया फर्स्ट नेशन और सेकंड, थर्ड, फोर्थ, दैट इज व्हाट यू नीड टू रिप्लाई ऑन दिस पार्ट. क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? रशिया को एफएटीएफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स द्वारा सस्पेंड कर दिया गया. एंड रशिया इज द वेरी फर्स्ट नेशन, पहला ऐसा देश है जिसको रशिया को सस्पेंड किया गया, ओनली फर्स्ट नेशन. राइट, सस्पेंशन का मतलब होता है कि एफएटीएफ की जो मेंबरशिप होती है उसमें से रशिया को हटा दिया गया. क्यों हटा दिया गया? एज ए प्रोटेस्ट टू द रशिया यूक्रेन वॉर, जिस तरीके से रशिया द्वारा हमला किया गया ना, उसके प्रोटेस्ट के ताल्लुक में किया गया. तो रशिया बिकेम द वेरी फर्स्ट मेंबर, पहली बार, फर्स्ट टाइम किसी देश को एफएटीएफ ने सस्पेंड किया है. देखिए, एफएटीएफ जो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट लेकर के आते हैं, दैट इज डिफरेंट.
राइट यहाँ पर सस्पेंशन एज ए मेंबर की बात की गई है, ये हमारा आंसर जो होगा दैट शुड बी रशिया ओनली, रशिया हमारा यहाँ करेक्ट आंसर होना चाहिए। बोथ वेज इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन योर क्लाइंट एज वेल एज रियलिटी, दोनों में आपकी इसमें मदद होने वाली है एंड आई एम अश्योरिंग यू फॉर दैट, डोंट वरी। चलिए विद दिस वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 3, हाउ लॉन्ग डज जापानीज गवर्नमेंट प्लान टू रिलीज द ट्रीटेड वाटर फ्रॉम फुकुशिमा प्लांट, फुकुशिमा डिजास्टर हैपेंड इन जापान इन ईयर 2011, सुनामी आया, अर्थक्वेक आया और उसके बाद में वहां पर ये न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ था। अब न्यूक्लियर डिजास्टर में लॉट ऑफ वाटर वाज फ्लोन इनसाइड इन इट, द वाटर बिकेम जिसको बोला टेंटेड वो हो गया, बिल्कुल वो पॉल्यूटेड वाटर हो गया, उस वाटर को ट्रीट किया गया और ट्रीटमेंट के बाद में नाउ द वाटर इज गोइंग टू बी स्प्रेड, मतलब इट इज गोइंग टू बी इसको समुद्र में बहा दिया जाएगा, फ्लोन टू द सी। तो ये पूछा जा रहा है कि कितने वर्ष तक ये प्रोसेस चलने वाली है, फॉर हाउ मेनी ईयर्स द कंप्लीट प्रोसेस इज गोइंग टू कंटिन्यू, फॉर हाउ लॉन्ग दिस इज गोइंग टू कंटिन्यू दैट इज बिंग आस्ड ओवर हियर। यहाँ पर 10 ईयर्स, 20 ईयर्स, 30 ईयर्स, 40 ईयर्स ऑप्शन एंड यस करेक्ट आंसर, मोस्ट ऑफ यू आंसर करेक्टली, सी शुड बी करेक्ट आंसर हियर। कितने साल तक? 30 साल तक यह पानी जो ट्रीट किया जा चुका है, कहाँ पर हुआ था? फुकुशिमा न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 जापान में हुआ था। और क्या हुआ था? पहले वहां पर सुनामी आया, अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक सुनामी, उसके बाद में व्हाट हैपेंड वहां पर, दिस कंप्लीट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज सबमर्ज्ड इन वाटर एंड वाटर बिकेम पॉल्यूटेड, वो न्यू हो गया आपका न्यूक्लियर वाटर एक तरीके से, उसको ट्रीट किया गया, केवल उसमें से दिस वन पार्ट यू रिलीज, एक कुछ पार्ट होता है उसको छोड़ दिया जाए, ट्रीटियम को छोड़ दिया जाए, तो ऑल द इम्प्योरिटीज हैव बीन एलिमिनेटेड एंड दैट इज गोइंग टू बी फ्लोन इन द रिवर नाउ, बट इज गोइंग टू बी डन इन सम पार्ट इन दिस कंप्लीट प्रोसेस गोइंग टू टेक 30 लॉन्ग ईयर्स, 30 साल यहाँ पर प्रोसेस में लगने वाले हैं। तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा? इट शुड बी 30 ईयर्स हियर, क्लियर? देन इन विच कंट्री फॉरनर्स हैव बीन बैन फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम बाइंग होम्स, अ वेरी पिकुलर, मतलब आपने शायद सुना नहीं होगा, बट एक देश में वहां ये जो नए घर जो मकान होते हैं ना खरीदने की बात करते हैं, तो फॉरनर्स को मना कर दिया गया कि दे शुड नॉट बी बाइंग इट। रीजन क्या बोला गया? रीजन ये बोला गया कि कुछ लोग ना मकान खरीद रहे होते हैं फॉर एज अ कमोडिटी दे आर बाइंग, एज इन्वेस्टमेंट दे आर बाइंग, बट इन दिस प्रोसेस व्हाट दे आर डूइंग दे आर मेकिंग नो इनजस्टिस एक तरीके से उनके साथ होता है, जो लोग मकान रहने के लिए खरीदने वाले हैं। तो इस देश में वहां पर फॉरनर जो रहते हैं उन पर बैन लगा दिया गया कि यू आर नॉट गोइंग टू बाय होम, अगर खरीदते हैं तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो इन विच कंट्री दिस थिंग हैज हैपेंड, इन विच कंट्री फॉरनर्स हैव बीन बैन फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम बाइंग होम्स, तो दिस कंट्री वी आर टॉकिंग अबाउट इज, यस अनिष्का, वेरी गुड, द आंसर इज कैनेडा, विच वॉज इन न्यूज फॉर वेरियस रॉन्ग रीजन इन दीज डेज। तो कैनेडा में वहां पर जो फॉरनर्स रहते हैं उनको नया मकान खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, बिकॉज दे आर बाइंग हाउसेज फॉर द इन्वेस्टमेंट, बट द पीपल हु एक्चुअली वॉन्ट टू बाय हाउस फॉर लिविंग उनके साथ अन्याय होता है, क्योंकि अगर इस तरीके से मकान खरीदते हैं तो फिर क्या होता है, इन मकान की प्राइस बढ़ती है, उनकी प्राइस बढ़ती है तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी उससे कम हो जाती है, दे आर नॉट एबल टू अफोर्ड द हाउसेज व्हेन दे वॉन्ट टू लिव इन, पीपल आर बाइंग फॉर द सेक ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज द रीजन इट वॉज डन। तो इट वॉज कनाडा, विच शुड बी द करेक्ट आंसर, यहाँ पर बैन लगा दिया गया, फॉरनर शुड नॉट बी बाइंग द हाउसेस, इफ दे गो फॉर इट दे आर गोइंग टू पे $10,000 एज अ पेनल्टी, राइट, रादर देन गोइंग फॉर पेनल्टी दे विल नॉट गोइंग टू बाय। क्वेश्चन नंबर 5 सेज, इन विच कंट्री वुमेन हैव बीन बार्ड फ्रॉम वर्किंग इन यूनाइटेड नेशन, अ वेरी सिंपल ऑब्वियस आंसर इज हियर, एक बड़ा सिंपल सा आंसर है, ईरान, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया, सीरिया, दिखने में सभी लगते हैं, बट जो लेटेस्ट एंट्री है ना इस पूरी कहानी में, जो कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने जहां पर इस तरीके से कब्जा जमा लिया, जो वहां के रूलर बन गए, उस ताल्लुक में अफगानिस्तान के द्वारा यूनाइटेड नेशंस में महिलाओं को काम करने से रोक दिया गया है, दे हैव नॉट बीन अलाउड टू वर्क बाय इन यूनाइटेड नेशन, दे हैव नॉट बीन अलाउड टू वर्क ऑल टुगेदर, राइट। सो तालिबान रूलर्स टुक स्टेप इन द स्ट्रिक्टिव मेजर्स, दे हैव इम्पोज्ड वुमेन and said that women of Afghan staff was employed in United Nations mission can no longer work there, वो वहाँ पर काम नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पर correct answer should be Afghanistan. Clear? I'm coming to question number 6. In which of the following years debt ceiling was created by US Congress? Debt ceiling has been in news for very long time. है ना? So much so forth it was important that जो क्वाड मीटिंग ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी उस मीटिंग में जो बाइडेन कुड नॉट कम बिकॉज ही वाज डीलिंग विद द डेट सीलिंग पार्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स अलोंग उनके जो ऑपरेशन है रिपब्लिकन के साथ में, दे वर नेगोशिएटिंग ऑन दिस पार्ट। तो डेट सीलिंग क्या होती है? वह समय आ जाता है जबकि
वहां की जो सरकार होती है उन्हें और लोन देने से मना, मतलब उनको लोन लेने का अधिकार जो होता है ना वो लिमिट तक पहुंच चुका होता है, उसके बाद में दे नीड टू टेक अप्रूवल फ्रॉम द पार्लियामेंट, फ्रॉम द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड देन ओनली दे कैन इंक्रीज द लिमिट एंड दे कैन टेक मोर मनी एज डेट एंड दे कैन वर्क, मतलब उनका जो वर्किंग कैपिटल होती है ना, जो बिजनेस वहां चल रहा होता है, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पैसा दे सकते हैं। सो डेट सीलिंग ना वहां पर एक सरकार पर लगाम लगाने के लिए, उनके ओवरऑल एक्सपेंसेस कंट्रोल करने के लिए 1917 में लाई गई थी। 1917 वाज द टाइम व्हेन डेट सीलिंग वाज अप्लाइड, मतलब इट केम इनटू द यूएस सिस्टम बेसिकली। तो 1917 में इसे लाया गया था उनकी कांग्रेस के द्वारा, सो दैट दे कुड कंट्रोल द एक्सपेंसेस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, उनको एक्सपेंसेस को कंट्रोल किया जा सके। तो हियर इन द करेक्ट आंसर शुड बी 1917 ओनली, नॉट 1987, ये 1917 करेक्ट आंसर यहाँ पर होना चाहिए। कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 7, इन विच ईयर वॉज वोटिंग मेड कंपल्सरी फॉर ऑस्ट्रेलियन सिटीजन्स एज 18 एंड अबव, किस वर्ष में 18 वर्ष से ज्यादा, मतलब जो 18 वर्ष उससे ज्यादा की जो लोग हैं उनके लिए ऑस्ट्रेलिया में वोटिंग को कंपल्सरी कर दिया गया था। द मेनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेर इन वोटिंग हैज बीन मेड कंपल्सरी, ऑस्ट्रेलिया में से बहुत पहले कंपल्सरी कर दिया गया था, और न्यूज में इसलिए था कि ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ समय पहले एक रेफरेंडम लाया गया था जहां पर वहां के जो इंडिजिनस पीपल जो होते हैं उनको कुछ अधिकार दिए जाए, इसके लिए वहां पर द वॉइस करके दिस पर्टिकुलर सिस्टम वाज अबाउट टू बी ब्रॉट देयर, बट देन दिस रेफरेंडम जो फेल हुआ वहां पर। उसी ताल्लुक में दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन अराइजेस कि वहां पर पहली बार किस ईयर में दिस कंपल्सरी वोटिंग वॉज एस्टेब्लिश्ड, कब उसे लाया गया था। तो इट वॉज ईयर 1924 व्हेन ऑस्ट्रेलिया बिकेम द कंट्री विथ कंपल्सरी वोटिंग, मतलब उनके द्वारा एवरी ऑस्ट्रेलियन सिटीजन जो एलिजिबल है, 18 वर्ष ज्यादा इनकी उम्र है, उन्हें वोटिंग करनी ही होगी, और अगर नहीं करते हैं तो दे नीड टू मेक सम मेमोरेंडम, पेनल्टी उनको पे करनी होगी। तो $20 से $200, मतलब पहली बार आपके द्वारा वोटिंग नहीं करी है या कि यू आर लाइक रिपीटेड ऑफेंडर, इट डिपेंड्स, तो उस ताल्लुक में उन पर पेनल्टी लगाई जाती है, बट द स्टार्ट्स विद $20 से वो पेनल्टी स्टार्ट होती है। तो इट वॉज 1924 ऑस्ट्रेलिया में कंपल्सरी वोटिंग अप्लाई की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 सेज, इंडिया हैज लॉन्च विच ऑपरेशन टू प्रोवाइड एड टू टर्की, सो मेनी ऑपरेशन हैव बीन लॉन्च टिल डेट, कई सारे ऑपरेशन की हम बात करें, ऑपरेशन गंगा लॉन्च किया गया था यूक्रेन के ताल्लुक में, ऑपरेशन अजय लॉन्च किया गया अभी लेटेस्ट इसराइल से वापस हमारे देशवासियों को लाने के लिए, ऑपरेशन कावेरी लॉन्च किया गया था सूडान से वापस लाने के लिए, तो मीन सो मेनी ऑपरेशंस इन लास्ट सम टाइम। इस पर्टिकुलर ऑपरेशन की बात करते, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च रिगार्डिंग द टर्की एंड सीरिया, जब वहां पर अर्थक्वेक आया था उस ऑपरेशन की हम क्या बात करें, तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑपरेशन दोस्त, सी शुड बी करेक्ट आंसर हियर, बट आई हैव टोल्ड यू सो मेनी अदर ऑपरेशंस हैव बीन देयर एंड दे आर ऑल इंपॉर्टेंट, दे हैव बीन डिस्कस्ड इन आवर सेशंस, राइट। तो यहां पर ऑपरेशन दोस्त ध्यान रख लीजिएगा, सी इज करेक्ट आंसर, एंड ग्रेट मेनी ऑफ यूर आंसरिंग एंड ऑल ऑफ यूर आंसरिंग करेक्टली मोस्ट ऑफ, राइट, थैंक यू। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, द क्वाड मीटिंग इन 2024, क्वाड इज अ ग्रुप ऑफ फोर नेशन, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस एंड जापान आर द फोर नेशंस, इनकी जो मीटिंग थी लास्ट पहले ऑस्ट्रेलिया में होने वाली थी, फिर जापान में हुई थी 2023 वाली, अबाउट टू हैपन इन ऑस्ट्रेलिया, देन हेल्ड इन जापान बिकॉज ऑफ जो बाइडन वेंट टू जापान फॉर G7 समिट। दिस टाइम अराउंड 2024 जो आगे की हम बात करें, किस देश में मीटिंग होने वाली है, इन विच कंट्री दिस स्क्वाड मीटिंग इज गोइंग टू बी हेल्ड इन 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 2024, तो 2024 में यह मीटिंग भारत में होगी, इंडिया इज गोइंग टू बी द होस्ट नेशन फॉर 2024 क्वाड मीटिंग। क्वाड मीटिंग दिस फोर नेशन आई हैव टोल्ड यू, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान आर द फोर कंट्रीज, लास्ट मीटिंग वॉज इन जापान एंड नेक्स्ट मीटिंग इज गोइंग टू बी इन इंडिया इन 2024, क्लियर। द करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पर 2024 इंडिया शुड बी द करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, कच्चा टीवू एक आइलैंड होता है, आइलैंड मतलब एक छोटा सा आइलैंड, यह होता है पाक स्ट्रेट, भारत और श्रीलंका के बीच में, इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस बिकॉज ताल्लुक में कई सारे इश्यूज हो चुके हैं। अब यह भारत से कितनी दूरी पर है, मतलब इसका ओवरऑल डिस्टेंस जो स्पेसिफिक दिया हुआ है ना यहाँ पर प्लेस के ताल्लुक में, व्हाट इज द बेसिक डिस्टेंस बिटवीन इंडिया एंड दिस पर्टिकुलर, मतलब कच्चा दो आइलैंड हमारे देश से कितनी दूरी पर है, मतलब यह स्पेसिफिक यहाँ पर जो दिया गया है कि 14 नॉटिकल माइल फ्रॉम कोलंबो या 20 नॉटिकल माइल फ्रॉम चेन्नई, 14 नॉटिकल माइल फ्रॉम रामेश्वरम या 10 नॉटिकल माइल फ्रॉम जाफना, उसका रेफरेंस पॉइंट के ताल्लुक में आंसर आपको यहाँ पर करना होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 14 नॉटिकल माइल्स, 14 नॉटिकल माइल्स, 14 नॉटिकल माइल्स शुड बी आर करेक्ट आंसर, है ना, करीब करीब इसको अगर देखें 14 नॉटिकल माइल्स होता है 25.92 किलोमीटर, क्योंकि एक नॉटिकल माइल जो होता है वो अराउंड 1.8 किलोमीटर के बराबर होता है। तो रामेश्वरम से 14 नॉटिकल माइल्स दिस प्लेस इज, इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल प्लेस बिकॉज इट वॉज हैंडेड ओवर टू, यू नो, हैंडेड ओवर इन, इट वेंट टू श्रीलंका,
But now many of our states, so many times Tamilnadu has claimed for it कि हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमारे मछुआरे वहां जाते हैं, उन्हें वहां पर पकड़ लिया जाता है. सो दैट वे इट्स अ कॉन्ट्रोवर्शियल इशू, बट देन इट इज 14 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम इंडिया. विच कंट्री हैज डेवलप्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट फुल्ली वर्किंग सैंड बैटरी? फुल्ली वर्किंग सैंड बैटरी, इसका ये मतलब होता है कि जब सूरज की रोशनी अवेलेबल होती है, सोलर एनर्जी अवेलेबल होती है, तो इस सैंड बैटरी में उसको हीट एनर्जी की तरह कैप्चर कर लिया जाता है. इट इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, एंड देन लेटर ऑन इन द टाइम ऑफ विंटर इट इज रिकन्वर्टेड टू हीट एंड इट इज यूज. तो अपने आप में इसको सोलर बैटरी की तरह कहा जाता है. एक बड़ा सा साइलो जो होता है उसमें सैंड भरी जाती है और उसके थ्रू एनर्जी कंजर्व करने का प्रयास किया जाता है. तो फर्स्ट टाइम सच सोलर बैटरी जो है वो फिनलैंड में स्थापित की गई. फिनलैंड इज द कंट्री वेर इन फर्स्ट फुल्ली वर्किंग सैंड बैटरी वॉज एस्टेब्लिश्ड, वहां पर उसे एस्टेब्लिश किया गया था. और इसमें क्या किया गया था कि इन समर सीजन व्हेन दिस सोलर एनर्जी विल बी अवेलेबल इट विल बी कन्वर्टेड टू हीट देन इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी टू हीट अगेन इन विंटर, दैट विल बी द कंप्लीट साइकिल. सो इट वॉज फिनलैंड जहां पर इसे स्थापित किया गया. दिस टॉपिक हैज बीन प्रॉपरली डिस्कस इन आवर जीके सेशन, हमने टॉपिक डिस्कस किया हुआ है ना. चलिए, विच कंट्री रिलीज 5 प्रिजनर्स इन स्वैप डील विद यूएस? यूएस के साथ स्वैप डील का मतलब होता है कि 5 प्रिजनर्स यूएस के रिलीज किए गए एंड 5 प्रिजनर्स इस देश के रिलीज किए गए, एंड दिस स्वैपिंग ऑफ द प्रिजनर्स वाज डन बिटवीन दिस पर्टिकुलर नेशन एंड यूएस. यूएस के साथ में ये अपने आप में ये कन्वर्जन किया गया था, दिस स्वैपिंग की गई थी. तो विच कंट्री यूएस वॉज इन्वॉल्व विथ इन टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्वैपिंग ऑफ द प्रिजनर्स? इट वॉज डन विथ ईरान. एंड नॉट ओनली द स्वैपिंग ऑफ प्रिजनर्स, इट वॉज ऑल्सो अराउंड $6 बिलियन, $6 बिलियन ना वह भी ईरान को मुहैया कराए गए थे. कतर के थ्रू यूएस ने यह पैसा ईरान को मुहैया कराया था, उनको प्रोवाइड किया गया था, तो उनका पुराना पैसा रोका गया था. तो यूएस एंड ईरान वर इन्वॉल्व इन दी स्वैपिंग ऑफ दीज 5 प्रिजनर्स. इन 5 प्रिजनर्स की स्वैपिंग के लिए यूएस और ईरान के बीच में ये डील की गई थी. कुछ समय पहले ये डील की गई थी और ऐसा माना भी जा रहा था कि जो जो 6 बिलियन पैसा दिया गया है ना ईरान को, ईरान में हैव यूज्ड इट फॉर ऑल द टेररिस्ट एक्टिविटीज व्हिच वी हैव सीन सम टाइम बैक. तो वो भी अपने आप में यहाँ पर एलिगेशन लगाया जा रहा था. बट देन यूएस ईरान के बीच में ये स्वैपिंग जो है कुछ समय पहले की गई. तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा होना चाहिए डी ओनली. कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 13 सेज, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बिकेम द न्यू SCO मेंबर? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का कौन सा नया मेंबर अभी इस वर्ष हमारे यहाँ जो मीट हुई थी उसमें जोड़ा गया है? SCO earlier had 8 members. This new member is in the new member इसमें जुड़ा है. किस देश को अभी यहाँ पर जोड़ा गया है? तो ईरान, यूक्रेन, यूएई, सऊदी अरब की बात करें तो ईरान has become the new member who has been included in the SCO. 9th member ईरान इसमें बन चुका है. तो करेक्ट आंसर शुड बी ईरान, न्यूएस्ट मेंबर इन SCO. अर्लियर इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना अलोंग विद 4 सेंट्रल दिस एशियन नेशंस आर पार्ट ऑफ इट, है ना, और उसमें ईरान भी शामिल हो चुका है. तो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, 4 सेंट्रल एशियन नेशन, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, दे ऑल वर द पार्ट ऑफ SCO जो कि 2001 में स्थापित किया गया था. इंडिया पाकिस्तान एडेड इन 2017 में, इंडिया पाकिस्तान इसमें जुड़े थे, अब उसमें ईरान को जोड़ दिया गया. तो ईरान हैज बिकम द newest member, 9th member of SCO recently. Which of the following has won only gold in cricket Olympics? Only gold in cricket in the Olympics. देखिए क्रिकेट को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जो अभी 2028 में होगा, 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक जो होगा उसमें क्रिकेट को शुमार किया गया है आफ्टर 128 years. क्यों? क्योंकि 1900 में लास्ट बार क्रिकेट वॉज पार्ट ऑफ ओलंपिक्स. बट विच कंट्री वेंट ऑन टू विन द गोल्ड? तो इट वॉज ग्रेट ब्रिटेन जिन्होंने फ्रांस को हरा करके गोल्ड जीता था. तो इट वॉज ग्रेट ब्रिटेन इन 1900 पेरिस ओलंपिक्स. उसके बाद में आफ्टर 128 years दिस क्रिकेट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ ओलंपिक्स नाउ इन 2028 लॉस एंजलिस में. तो ओनली गोल्ड, आज तक केवल एक बार तो इंक्लूड हुआ है, तो केवल एक गोल्ड हुआ, तो एक गोल्ड किसने जीता है? दिस न्यू वन ओनली सिंगल गोल्ड वॉज वॉन बाय ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन द्वारा जीता गया था. जर फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 6 new BRICS मेंबर्स? देखिए SCO में ईरान जुड़ा है, ब्रिक्स में 6 देश जुड़े गए हैं, इनमें से कौन सा देश इस नए मेंबर जो 6 जोड़े गए हैं उनमें नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन इज नॉट पार्ट ऑफ दिस न्यू नेशन विच बिकेम पार्ट ऑफ SCO? कौन सा नहीं है इसमें आपसे पूछा गया है? क्लियर है? द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेंबर विच हैव बीन एडेड टू ब्रिक्स सम टाइम बैक. ए क्लियर क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? इथियोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरेबिया, दे वर ऑल पार्ट ऑफ इट. टर्की इसमें नहीं बना है. टर्की तो बेटा नाटो का मेंबर है अपने आप में. टर्की इज वेरी क्लोज टू यूएस इन अ वे, राइट? दो अभी थोड़ी सी इश्यूज हैं, बट यहाँ करेक्ट आंसर शुड बी टर्की ओनली. कौन से देश जुड़े हैं? तो देखिए इजिप्ट,
ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई है ना, ये दीज आर द नेशंस हु बिकम पार्ट ऑफ इट. यहां पर आप देखें तो यार अर्जेंटीना इज ऑल्सो देयर, राइट ना, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना, दीज आर द नेशंस हु बिकम पार्ट ऑफ ब्रिक्स, BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, अलॉन्ग विद दिस सिक्स नेशन, दे आर 11 नेशंस में. हो सकता है अगले बार इनका नाम वगैरह भी परिवर्तन किया जाए, बट यहाँ पर टर्की इज नॉट बीन पार्ट ऑफ इट, टर्की इसमें नहीं जुड़ा हुआ है. तो आर करेक्ट आंसर शुड बी सी, टर्की ओनली. विच सी पोर्ट ऑफ यूक्रेन इज एडेड टू यूनेस्को लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? कौन सा सी पोर्ट ना यूनेस्को की वर्ल्ड साइट में इसको जोड़ा गया? तो उसको जोड़ने का रीजन क्या था? जोड़ने का रीजन उसका ये था कि बिकॉज एक बार अगर यूनेस्को की वर्ल्ड साइट में इसको इंक्लूड कर दिया गया तो शायद रशिया यहाँ पर हमला ना करे, क्योंकि वर्ल्ड साइट को बर्बाद करने का जो एक तरीके स्टिग्मा, वो शायद रशिया ना लेना चाहे. तो इस पर्टिकुलर रीजन से, मोस्टली इस पर्टिकुलर रीजन को देखा जाए तो इट वॉज दिस पर्टिकुलर, दिस ओडेसा अपने आप में जो सी पोर्ट होता है उसे यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर दिया गया था, उसे जोड़ लिया गया था. तो इट इज ओडेसा हु वॉज इवेंचुअली एडेड टू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यूरिंग दिस वॉर टाइम टू गिव सम सेफ गार्ड, टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन. दिस थिंग वॉज डन. तो यहां पर ओडेसा शुड बी द करेक्ट आंसर है. ओडिशा यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होना चाहिए. मतलब इट मे बी डिजर्विंग फॉर लॉन्ग, बट देन फॉर पर्टिकुलर रीजन ये कौन सा बोला गया कि इसका डिस्ट्रक्शन शायद इस तरीके से इंपॉर्टेंट सिटी है, इसको हम लोग रोक पाएंगे क्योंकि अपने आप में इट्स गॉट सम आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू, बट एडिंग इट टू लिस्ट विल बी सेफ गार्डिंग इट इन अ वे. है क्लियर? सो विद दिस वी कम टू क्वेश्चन नंबर 17. फॉलोइंग वाज कंफर्म्ड विद द रेमोन मैक्सेस अवार्ड 2023. 2023 का रेमोन मैक्सेस अवार्ड किसे दिया गया है? क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन? किसको दिया गया है? यहाँ पर इस साल की बात कर रहे हैं. रविश कुमार आंसर मत करिएगा, वी आर आस्किंग अबाउट दिस ईयर 2023 ओनली. रविश कुमार वाज ही हैज रिसीव्ड रेमोन मैक्सेस अवार्ड, बट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर रवि कानन. क्या आंसर है? डॉक्टर रवि कानन. डॉक्टर रवि कानन कशार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आसाम में ही इज बीन प्लेस्ड. सी कशार कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, CCHRC, वहां पर ही इज प्लेस्ड इन आसाम. ही हैज डन ग्रेट जॉब देयर. ही इज एन ऑन्कोलॉजिस्ट. ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है जो कैंसर यू नो ट्रीटमेंट जो दे रहे होते हैं, डॉक्टर्स हु आर स्पेशलाइज इन कैंसर ट्रीटमेंट, वो उनको उनको ऑन्कोलॉजिस्ट कहा जाता है. तो यहाँ पर ही इज रवि कानन. ही हैज बीन गिवन दिस ईयर्स रेमोन मैक्सेसे पुरस्कार, इस साल का इनको दिया गया. रेमोन मैक्सेसे की शुरुआत 1958 में हुई थी. रेमोन मैक्सेसे वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस. तो उनके नाम से अवार्ड दिया जाता है. पहला अवार्ड डॉक्टर विनोबा भावे को दिया गया था, ही वाज इंडियन. और उसके बाद में वाज वन ऑफ द फर्स्ट फोर टू गेट द अवार्ड. इसके बाद में कई इंडियंस को दिया जा चुका है. दिस टाइम अराउंड वाज गिवन टू डॉक्टर रवि कानन. इसके पहले रवीश कुमार को भी दिया गया है, अरविंद केजरीवाल को दिया गया है, किरण बेदी को दिया गया है, सो मेनी ऑफ देम हैव गॉट. गीता प्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर? क्वेश्चन यहाँ इसलिए पूछा गया कि गीता प्रेस जो है गोरखपुर, उन्हें 2021 का गांधी पीस प्राइज दिया गया था. 2021 का गांधी पीस प्राइज गीता प्रेस गोरखपुर को दिया गया था. है क्लियर? 2021 गांधी पीस प्राइज वाज गिवन, एंड दैट इज द रीजन यहां पर पूछा गया है कि किस वर्ष में इसको स्थापित किया गया था. तो गांधी पीस प्राइज जो इनको दिया गया था वह इनकी 100 वर्ष, जो 100वीं वर्षगांठ थी, एनिवर्सरी जो थी इनकी, बिगनिंग जो 1923 में की गई थी, उसके कारण पर, मतलब उस ताल्लुक में इन्हें प्राइज दिया गया था. इट वॉज 1923 गीता प्रेस गोरखपुर वॉज एस्टेब्लिश, उसको फाउंड किया गया था. एंड देव बिन अराउंड 41 करोड़ बुक्स इनके द्वारा छापी जा चुकी है अब तक, राइट? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 1923 होगा. 1923 से 2023 में इनके द्वारा 100 वर्ष एस्टेब्लिशमेंट के कंप्लीट किए गए. तो इनको 2021 का गांधी पीस प्राइज दिया गया. तो कुछ कॉन्ट्रोवर्सी इसमें हुई थी, बट देन स्टिल वी मस्ट रिमेंबर 1923 गीता प्रेस गोरखपुर वॉज एस्टेब्लिश, कंप्लीटेड देयर 100 ईयर समटाइम बैक. है क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 19, हु वॉज अवॉर्डेड यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज रिसेंटली? और देखिए, यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज जो होता है उसे सखारो प्राइज कहा जाता है. इट इज कॉल्ड सखारो प्राइज. सखारो वाज अ डिसिडेंट फ्रॉम रशिया. ही वाज अ न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट थे बेसिकली. तो उनके नाम पर अवार्ड स्थापित किया गया था 1987 में, और तब से अवार्ड जो है वो दिया जाता है, राइट? सो दिस टाइम अराउंड दिस अवार्ड वाज गिवन टू महसा अमीनी, एज वेल एज द मूवमेंट वहां पर जो चल रहा था, है ना, वो जो मूवमेंट चल रहा था उस मूवमेंट को भी अवार्ड दिया गया. तो दिस महसा अमीनी अलॉन्ग विद विमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट, दिस वॉज गिवन दिस अवार्ड इन सॉरी 1988 में अवार्ड दिया गया था. 89 में उनकी मृत्यु हुई थी. 1988 से अवार्ड स्थापित किया गया. 1988 से अवार्ड जो है वो दिया जा रहा है. दिस अवार्ड इज ऑल्सो नोन एज सखारो प्राइज से कहा जाता है.
क्लियर? एंड ध्यान रखिएगा, मेहसा अमीनी इज करेक्ट आंसर, नो नो डिनाइंग, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बट वॉज ऑल्सो गिवन अलॉन्ग विथ विमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट, जो ना उनको और मेहसा अमीनी को, इनको मिला करके अवार्ड दिया गया है। थोड़ा सा ये अपडेशन कर लीजिएगा। एंड एज आई टोल्ड यू, आंद्रेई सखारोव वॉज अ सोवियत डिसिडेंट, डिसिडेंट का मतलब होता है कि अपने देश से निकाले गए थे एक तरीके से, राइट? तो ही वाज अगेंस्ट, मतलब रशिया में वहां पर थे, ही वाज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ही हाइड्रोजन बम के इनको जनक कहा जाता है, ही कॉल्ड फादर ऑफ हाइड्रोजन बम, अल्टीमेटली वेंट अगेंस्ट रशिया बिकॉज द वे इट वाज बीइंग यूज्ड इन ऑल, वो सब इस तरीके से उसका मिसयूज हो सकता है, इसका इनको अंदेशा लगता था, तो उन्होंने बाद में इसका विरोध किया गया था। इनको 1975 में दिया गया था दिस नोबल प्राइज, ही वॉज गिवन इन 1975, 1988 में इनके नाम पे अवार्ड स्थापित किया गया था। दिस टाइम द अवार्ड इज बीन गिवन टू लेट महसा अमीनी। लास्ट ईयर 2022 में इनको वहां के जो मोरल पुलिस होती है उनके द्वारा मार दिया गया था। उसके बाद में वहां पर विरोध हुआ था, अराउंड 500 पीपल डाइड देयर, एंड दिस कंप्लीट मूवमेंट, वुमेन लाइफ फ्रीडम मूवमेंट अलॉन्ग विद महसा अमीनी, है ना, उनको इस बार का ये सखारो प्राइज या यूरोपियन यूनियन टॉप ह्यूमन राइट्स प्राइज को बोलते हैं, वह दिया गया। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 20, इन परस्यूट ऑफ पीस इंडिया पाकिस्तान रिलेशन अंडर सिक्स प्राइम मिनिस्टर्स इज द बुक रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग, किसके द्वारा यह किताब लिखी गई है? नेम ऑफ द बुक इज इन परस्यूट ऑफ पीस इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप अंडर प्राइम मिनिस्टर्स। दिस बुक इज रिटन बाय सत्येंद्र कुमार लांबा, ही वॉज अ जर्नलिस्ट, और उनके द्वारा पिछले छह जिसको बोलते प्रधानमंत्री उनके कार्यकाल के, उनकी जो इश्यूज बेसिकली द वे दे यूज टू डील, उस पर ये बुक लिखी गई है। तो आंसर शुड बी सत्येंद्र कुमार लांबा। माई लाइफ एज अ कॉम्रेड इज अनदर बुक रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग, माई लाइफ एज अ कॉम्रेड रिटन बाय हु अमंग द फॉलोइंग। यहाँ पर चार आपको नाम दिए गए हैं, दीज फोर पीपल बेसिकली, यहाँ पर वन इज चीफ मिनिस्टर ऑफ केरला, अनदर इज फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस फॉर्मर सॉरी हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, मिंडा गरात इज ऑल्सो लीडर, कम्युनिस्ट लीडर, एंड स्वरा भास्कर इज ऑल्सो शी इज एक्ट्रेस बेसिकली। इन चार में से किसको अवार्ड दिया गया है? तो हमारा आंसर शुड बी के शैलजा, बी शुड बी आर करेक्ट आंसर हियर, है ना। के शैलजा जो है वह केरला की फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर है, एंड शी हैज डन ग्रेट जॉब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कोविड-19, कोविड-19 के टाइम में इनके द्वारा अच्छा काम किया गया था। शी वॉज इवन अबाउट टू बी गिवन मैग्सेसे पुरस्कार इनको दिया जाने वाला था, ऐसा बोला था कि इनके द्वारा उसको रिफ्यूज कर दिया गया था, है ना। तो के शैलजा द्वारा लिखी गई किताब है माई लाइफ एज अ कॉम्रेड, एंड इट वॉज लॉन्च बाय पिनराई विजयन, जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। शी इज फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ केरला, ध्यान रख लीजिएगा, एंड शी वॉज मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ कोविड-19, did great job, highly appreciated, and then that is the reason she has been conferred with many awards, but Magsaysay इनके द्वारा एक तरीके से deny कर दिया गया। हमारा आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 says, who authored the book New Novel Victory City, है ना, सॉरी ऑथर ऑफ द न्यू नॉवल विक्ट्री सिटी, सॉरी विक्ट्री सिटी किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई? सलमान रशदी, अनिता देसाई, सुनीता देसाई, पंकज त्रिवेदी, दिस फोर ऑप्शन हैव बीन गिवन टू यू। तो दिस बुक हैज बीन रिटन बाय सलमान रशदी, सलमान रशदी इज इंडियन ओरिजिन यूके के राइटर हैं, और उनके द्वारा इस किताब को अभी लिखा गया है। इन पर कुछ समय पहले न्यूयॉर्क में इन पर हमला किया गया था, है ना, ही इज ऑलवेज मोस्टली न्यूज में रहते हैं। इनको 1981 में बुकर प्राइज दिया गया था, मिडनाइट चिल्ड्रन इनके द्वारा किताब लिखी गई थी, तो ही वाज गिवन बुकर प्राइज इन ईयर 1981 इटसेल्फ, और उसके बाद भी इनको बुकर ऑफ द बुकर, बेस्ट ऑफ द बुकर के दूसरे अवार्ड भी बुकर प्राइज इनको दिए गए हैं लेटर ऑन। सो सलमान रशदी इज द राइटर ऑफ द बुक विक्ट्री सिटी, रिसेंटली रिटन दिस बुक, ए शुड बी आर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 23, हाइफा पोर्ट वॉज इन न्यूज सम टाइम बैक, है ना, तो हाइफा पोर्ट जो है वो किस इंडियन ग्रुप द्वारा, बेसिकली बिजनेस ग्रुप द्वारा खरीद लिया गया, मतलब हु इज गोइंग, हु इज एक्वायर्ड द हाइफा पोर्ट सम टाइम बैक। तो रिलायंस, अदानी, टाटा, हिंदुजा आर द फोर ऑप्शंस गिवन टू यू। हाइफा पोर्ट इज बेसिकली ओन्ड बाय अदानी, है ना, अदानी ने इसको एक्वायर कर लिया है, एंड दिस वाज अगेन इन न्यूज बिकॉज अभी इंडिया यूरोप ईस्ट दिस मिडिल ईस्ट जो इकोनॉमिक ऑर्डर ओपन किया जा रहा है, दैट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एंड गुजरात टू कंप्लीट इट विल गो टू दिस इजराइल हाइफा पोर्ट, एंड फ्रॉम देयर इट ऑनवर्ड्स विल गो टू यूरोप। तो उसमें भी यहाँ से कनेक्टिविटी हाइफा पोर्ट और उसके आगे यूरोप तक, ये इंडियन दिस यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर जो ओपन किया जा रहा है, मिडिल ईस्ट कॉरिडोर ओपन किया जा रहा है, उसमें कनेक्टिविटी हाइफा पोर्ट तक और उसके आगे की यहाँ पर दी गई है। दिस हाइफा पोर्ट वॉज अक्वायर्ड बाय अदानी ग्रुप इन डॉलर 1.2 बिलियन, राइट? तो यहाँ आंसर हमारा शुड बी बी ओनली। बेस्टिल डे सेलिब्रेशन सम टाइम बैक, पीएम मोदी वेंट टू फ्रांस और वहां पर उनके द्वारा इस बेस्टिल सेलिब्रेशन को बुलाया गया था। तो बेस्टिल डे किस दिन मनाया जाता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डे बेस्टिल डे इज ऑब्जर्व सेलिब्रेट, कब इसको किया जाता है? तो फोर ऑप्शन हैव बीन गिवन टू यू, द करेक्ट आंसर इज 14th of July, 14th of July 1789 में बेस्टिल अपने आप में एक वहां पर प्रिजन होता है,
उस प्रिजन को एक तरीके से वहां पर ना उसको तोड़ा गया था, उसको एक तरीके से वहां पर रिवॉल्यूशन के दौरान मतलब उसको तोड़ दिया गया था, और उस पर्टिकुलर चीज को एक विक्ट्री की तरह देखा जाता है। तो बेस्टिल डे जो होता है विक्ट्री डे वहां पर माना जाता है, इट इज देयर एनुअल डे सेलिब्रेशन वहां पर होता है। पीएम मोदी वॉज इन्वाइटेड दिस टाइम अराउंड, ही डिड गो देयर, सो 14 जुलाई शुड बी आर करेक्ट आंसर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 25 सेज वीर बाल दिवस विल बी ऑब्जर्व या इज ऑब्जर्व अक्रॉस द नेशन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट। ये लास्ट ईयर इसको लास्ट ईयर जैन में इसको जैन फेब में इसको अनाउंस किया गया था। इट इज सेलिब्रेटेड ऑब्जर्व ऑन 26th of December, 26th of December को इसको ऑब्जर्व किया था। लास्ट ईयर ने कहा ना, लास्ट ईयर जैन 2023 में इट वॉज अनाउंस बाय पीएम मोदी, है ना। तो ये जो होता है वीर बाल दिवस, ये मनाया जाता है मार्टिनम डे ऑफ श्री गुरु गोबिंद सिंह के जो 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 संत थे, साहिबजादा बाबा जोरावर सिंह एंड बाबा फतेह सिंह, तो उनका जो शहीदी दिवस होता है ना उसे वीर बाल दिवस की तरह मनाया जाता है। एंड फ्रॉम लास्ट ईयर ओनली, मतलब 2022 वाज द फर्स्ट टाइम इसको मनाया गया था। 26th of December शुड बी नोन टू अस, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस, राइट। देन कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट वाज द ईयर इन व्हिच आईएफ वाज एस्टेब्लिश। इंडियन एयरफोर्स डे 8th of October को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स किस दिन स्थापित किया गया था, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर इंडियन एयरफोर्स वाज एस्टेब्लिश्ड। इट वाज ईयर 1932, 1932 में इंडियन एयरफोर्स को एस्टेब्लिश किया गया था ऑन 8th of October। तो 8th of October इज ऑब्जर्व एज द सेलिब्रेट एज द इंडियन एयरफोर्स डे एंड ईयर इज 1932। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर 1932 होना चाहिए, बी शुड बी आर करेक्ट आंसर। दिस ईयर द थीम ऑफ द डे वॉज IAF एयर फोर्स एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज, नहीं क्लियर। तो करेक्ट आंसर शुड बी 1932 ओनली, बी शुड बी करेक्ट ईयर, नहीं क्लियर। चलिए कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, हु प्रपोज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस होता है 2 अक्टूबर को, है ना, गांधी जयंती जो होता है ना वही इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस मनाया जाता है। अब इस डे की शुरुआत जो हुई थी, मतलब इस डे को किसने रिकमेंड किया था, एंड देन इट वाज ऑब्जर्व एज द इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। फोर ऑप्शन बीइंग गिवन टू यू, ऑल दीज फोर ऑप्शन आर द विनर्स ऑफ नोबल पीस प्राइज। उनमें दो जो है ना ऑप्शन यहां दिए गए, बोथ ऑफ देम आर फ्रॉम, दीज टू आर फ्रॉम ईरान। तो ईरान से केवल दो लोगों द्वारा अभी तक नोबेल प्राइज जीता गया है। बोथ ऑफ देम हैव गॉट नोबेल प्राइज इन पीस, नोबेल पीस प्राइज इनको दिया गया है। तो फर्स्ट लेडी शिरीन इबादी को दिया गया था 2003 में, और नरगिस मोहम्मदी को अभी 2023 में दिया गया है। तो इट वॉज शिरीन इबादी हु वेंट ऑन टू रिकमेंड दिस पर्टिकुलर 2 अक्टूबर जो है उनके द्वारा रिकमेंड किया गया था टू बी ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस। तो दीज टू, ये दोनों ही केवल दीज टू आर विनर्स ऑफ नोबेल प्राइज फ्रॉम ईरान इन 2023 एंड 2023, एंड दिस लेडी वेंट ऑन टू रिकमेंड द डे इज द नॉन वायलेंस डे, मतलब डे फॉर दिस इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस, क्लियर। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च बाई इसराइल रिस्पॉन्स टू हमास अटैक। देखिए ये दो अलग अलग नाम है, जो हमास ने जो ऑपरेशन किया था, हमास ने जो अटैक किया था, दैट इज नोन एज ऑपरेशन अल अस फ्लड, जो उनके द्वारा वो फ्लडिंग की गई थी दिस मिसाइल्स की, और लोग जो वहां पर एंटर करे थे, इनके जो उग्रवादी वहां पर एंटर किए थे, उसके अगेंस्ट में जो रिप्लाई दिया गया था, रिप्लाई वॉज गिवन बाय दिस इसराइल, एंड दिस रिप्लाई इज नोन एज ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो था वह रिप्लाई था ऑफ इसराइल। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स दिस रिप्लीकेशन, मतलब इसको बोलना चाहिए रिपरकशन जो उनको झेलना पड़ रहे हैं हमास को, तो दैट इज रिप्लाई ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स जो बिगिनिंग की गई थी, दैट वाज ऑपरेशन अल अस्क फ्लड। ये दोनों ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन से स्वावलंबन 2.0 इज एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन कोस्ट गार्ड, दिस आर फोर ऑप्शंस गिवन टू यू। स्वावलंबन बाय नेम, स्वावलंबन का मतलब होता है कि द प्रोसेस इन विच दे वांट टू बिकम, वी वांट टू बिकम दिस आत्मनिर्भर, वी वांट टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। तो स्वावलंबन 2.0 इज अ प्रोग्राम विच वॉज लॉन्च बाय इंडियन नेवी, और थ्रू दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव वी आर ट्राइंग टू बिकम मोर सो सेल्फ डिपेंडेंट, एंड दैट इज वाई वी आर ट्राइंग टू प्रोक्योर 98 आइटम्स, है ना, फॉर इंडियन नेवी फ्रॉम इंडियन सोर्सेज ओनली, है ना, इंडिजिनस सोर्सेज से हम लोग यहाँ पर ही खरीदना चाहते हैं। दैट वॉज डिक्लेयर्ड बाय आर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो दिस इज स्वावलंबन 2.0 एसोसिएटेड विद इंडियन नेवी ओनली, इंडियन नेवी से एसोसिएटेड है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 30 सेज, विच इज द नेम ऑफ चाइनीज रिसर्च वेसल विजिटिंग श्रीलंका। इसका भी हमारे द्वारा विरोध किया गया था, इवन यूएस ने इसका विरोध किया है कि दिस वेसल शुड नॉट बी पार्ट ऑफ श्रीलंकन वाटर्स बिकॉज दिस गोइंग टू हर्ट आर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, बट देन चाइना इज नॉट लिस्निंग टू एनीवन। उनके द्वारा इस वेसल को लाया गया, इनफैक्ट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी आर टॉकिंग दिस वेसल इज इन द श्रीलंकन वाटर्स। तो नेम ऑफ द वेसल इज शी यान, है ना,
And this is Chinese so-called research vessel, which is part of Mantab, that is they are the Chinese this Lankan water right now. Coming to question number 31, who became, yeah, which bank became the first Indian company to have over 50 lakh शेयरहोल्डर्स? रिलायंस के भी इतने शेयरहोल्डर नहीं है जितने इस कंपनी के हैं। तो कौन सी कंपनी देश की पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसके 50 लाख शेयरहोल्डर्स हो चुके हैं? जो द फॉलोइंग बैंक इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया टू हैव 50 लाख सब्सक्राइबर्स शेयरहोल्डर्स। तो इट वाज यस बैंक विच गॉट 50 लाख शेयरहोल्डर्स। 50 लाख शेयरहोल्डर्स यहाँ पे इनके हो चुके हैं। क्योंकि रिलायंस की बात करें तो जब ये बने थे, मतलब ये 50 लाख हुए थे, उस समय रिलायंस एड ओनली 33.6 लाख शेयरहोल्डर्स। यहाँ पर हमारा आंसर शुड बी यस बैंक ओनली। क्लियर? दो देवर इन्वॉल्व इन कॉन्ट्रोवर्सी, देन अल्टीमेटली दे बाउंस बैक एंड दिस इज वेयर दे स्टैंड राइट नाउ। पब्लिक सेक्टर बैंक रिसेंटली ट्रांसफर अनक्लेम डिपॉजिट। अनक्लेम डिपॉजिट ऐसे होते हैं जो लोगों द्वारा डिपॉजिट कर तो दिए गए हैं, बट देर इज नो बडी टू क्लेम दैम बिकॉज ऑफ डिमाइस और बिकॉज ऑफ सम अदर इशूज, एंड दोज मनी इज स्टिल लाइंग इन द बैंक इन देयर अकाउंट, है ना। वो अकाउंट में भी इनएक्टिव हो चुके हैं, नो बडी इज टेकिंग केयर ऑफ देम अकाउंट, नो बडी रिस्पॉन्डिंग। तो वो जो पैसा होता है उसको अनक्लेम डिपॉजिट कहा जाता है, राइट? तो अनक्लेम डिपॉजिट जो पीएसयू बैंकों के पास में था, दैट वॉज रिसेंटली ट्रांसफर्ड टू आरबीआई, है ना। सॉरी, आरबीआई से इनफैक्ट बैंक को ट्रांसफर कर दिया गया था, राइट? सो यहाँ पर हमसे पूछ, सॉरी, गवर्नमेंट को ट्रांसफर किया गया। तो कितना पैसा ट्रांसफर किया गया? 35,000 करोड़ रुपीज, है ना। तो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट डाटा, टोटल अमाउंट ऑफ अनक्लेम डिपॉजिट ट्रांसफर ट्रांसफर टू द आरबीआई बाय पब्लिक सेक्टर बैंक, सॉरी आरबीआई से पब्लिक सेक्टर बैंक में पैसा गया था। तो कितना पैसा था? इट वॉज 35,000 करोड़, राइट? 35,000 करोड़ वॉज अनक्लेम डिपॉजिट, मतलब लोगों के अकाउंट में पैसा है बट उनके द्वारा क्लेम नहीं किया गया। दिस मच अमाउंट हैज वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम बैंक टू आरबीआई। अल्टीमेटली मतलब अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू बी पार्ट ऑफ, यू नो, मे बी गोइंग टू द गवर्नमेंट ओनली। तो गवर्नमेंट ओन्स आरबीआई, हो सकता है उनको बाद में गवर्नमेंट को शायद ट्रांसफर किया जाए। देन आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी में जो कमेटी होती है, जिसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बोलते हैं, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? इन एवरी बाय मंथली जो वो दिस पॉलिसी आती है, उसमें रेट्स वगैरह इनके रेशियो डिसाइड किए जाते हैं। इसमें कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स आर पार्ट ऑफ इट? हाउ मेनी मेंबर्स आर पार्ट ऑफ दिस कमेटी? तो इस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई, 3 मेंबर्स आर फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, है ना, नॉन आरबीआई उनको हम बोल सकते हैं। इनमें दोनों बराबर संख्या होती है। इसमें जो जो हेड करता है, दैट इज गवर्नर, और जो वीटो पावर भी होती है वो गवर्नर के पास में होती है। सो इट इज 6 मेंबर कमिटी, है ना। इन दिस 6 मेंबर कमिटी, 3 मेंबर्स आर फ्रॉम आरबीआई एंड दिस कमिटी इज हेडेड बाय द आरबीआई गवर्नर द्वारा एक कमिटी हेड की जाती है, राइट? तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो 6 शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। So the following is not among one of the cities where unity malls can be opened by the state government. Last year budget के दौरान हमारे फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा बोला गया था कि देयर दिस यूनिटी मॉल्स कैन बी ओपन इन द कैपिटल सिटीज, इन द फाइनेंशियल कैपिटल्स और द इंपॉर्टेंट टूरिस्ट सिटीज ऑफ द स्टेट्स। मतलब यूनिटी मॉल इन देयर कैपिटल्स, देयर मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर्स और देयर फाइनेंशियल कैपिटल्स। यहाँ पर जो स्पेसिफिक यूनिटी मॉल जो है ओपन किए सकते हैं, जहाँ पर स्पेसिफिक जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो होते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पर होते हैं, जो उस पर्टिकुलर स्टेट सिटी की स्पेशलिटी, स्टेट की स्पेशलिटी होती है, उन प्रोडक्ट्स को वहाँ पर बेचा जाएगा। तो दिस वॉज रिकमेंडेड ड्यूरिंग द बजट बाय आर फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। अब यहाँ पर किसे रिकमेंड नहीं किया गया था? तो देखिए, कैपिटल सिटीज वॉज टोल्ड, मोस्ट प्रोमिनेंट टूरिज्म सेंटर्स वॉज टोल्ड, फाइनेंशियल कैपिटल बोला गया था, एकेडमिक हब्स की बात नहीं की गई थी। तो यहाँ पर पूछा भी हुआ है कि वेयर दे कैन नॉट बी, यहाँ आंसर शुड बी एकेडमिक हब शुड बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशंस रिसेंटली बिकेम द न्यू मेंबर्स ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? न्यू डेवलपमेंट बैंक इज पार्ट ऑफ ब्रिक्स, है ना। इनफैक्ट इसको ब्रिक्स बैंक बोला था पहले। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका द्वारा इसे एस्टेब्लिश किया गया था इन ईयर 2014। बाद में कई सारे दूसरे देशों को इसमें जोड़ा गया। दिस बांग्लादेश इज पार्ट ऑफ इट, यूएई इज पार्ट ऑफ इट, यूरोपे बिकेम मेंबर ऑफ इट, नाउ इजिप्ट हैज यू नो जॉइंड इन। तो ब्रिक्स के जो बैंक है न्यू डेवलपमेंट बैंक में, नाउ इजिप्ट इज द न्यू मेंबर इन द ग्रुप, न्यू मेंबर ऑफ द बैंक। इजिप्ट द्वारा इसे अभी कुछ समय पहले ज्वाइन किया गया है। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 36, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट फाउंड नो फ्लॉ इन गवर्नमेंट डिसीजन फॉर डिमोनेटाइजेशन। गवर्नमेंट का जो डिसीजन था डिमोनेटाइजेशन का, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने 4-1 से ओके कर दिया था। मतलब उसमें कोई त्रुटि, कोई दिक्कत नहीं पाई गई। द ओनली वन जो डिसेंटिंग जजमेंट जो दिया गया था, वह इनमें से किस पर्टिकुलर जज द्वारा दिया गया था? होपफुली द क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। द केस वेंट टू कॉन्स्टिट्यूशनल दिस बेंच, फाइव बेंच, दिस फाइव जज बेंच थी, उनके उनके पास केस जाता है, उनके द्वारा इसे ओके कर दिया जाता है। देयर इज ओनली वन डिसेंटिंग वॉइस, व्हिच पर्टिकुलर
जज वी आर टॉकिंग अबाउट, तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जस्टिस बीवी नागरत्न, यस, है ना। इन अ डिसेंटिंग यू हेल्ड दैट थ्रू डोमिनेशन वाज वेल इंटेंडेड एंड वेल थॉट, इट इज टू बी डिक्लेयर अनलॉफुल ऑन लीगल ग्राउंड्स एंड ऑन द बेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो उनका उद्देश्य कोई भी रखा हो, बट इनके द्वारा कहा गया था इट शुड बी टर्म्ड एज इलीगल, राइट, अनलॉफुल यह कहा जाना चाहिए। तो ओनली वन डिसेंटिंग वॉइस वाज देयर, दैट वाज ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्न। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट्स इन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड अटेम्प्ट सॉट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम चैट जीपीटी रिगार्डिंग वन बेल प्ली। तो बेल प्ली के लिए कि इसमें एक्सेस वर्ल्ड वाइड ऑन बेल विद रिगार्ड टू अ केस। तो यहां पर बोला गया है कि चैट जीपीटी से पूछा गया था, पहली बार ऐसा किया गया है कि दिस कोर्ट द्वारा ऐसा किया गया, कोर्ट द्वारा चैट जीपीटी से कुछ जिसको बोलना चाहिए दिस सजेशन लिया गया। इट वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पहली बार जो चैट जीपीटी चैटबॉट होता है उनसे कुछ व्यू यहां पर लिया गया था। तो दिस वाज पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38 सेज 59 लाख टन ऑफ लिथियम, जो लिथियम आयन बैटरीज एंड फॉर सेवरल अदर जिसको बोलना चाहिए उपयोग के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि अभी तक हमारे द्वारा दूसरे देशों से इंपोर्ट किया जाता था, राइट, वॉज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। किस पर्टिकुलर जगह पर 59 लाख टन, 5.9 मिलियन टन का भंडार किस जगह पर कुछ समय पहले मतलब लास्ट ईयर पाया गया था। दिस प्लेस इज रईसे डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम जम्मू, है ना, फॉर द फर्स्ट टाइम रिसीव्स 59 लाख टन ऑफ लिथियम इन रईसे डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू। एंड दिस इज वेरी क्रूशियल बिकॉज टिल दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी यूज टू इम्पोर्ट इन फ्रॉम अदर नेशन, एंड नाउ दिस सच अ ग्रेट जिसको बोलना चाहिए भंडार जो है हमारे यहाँ पर पाया गया है। तो इट शुड बी रईसे डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम जम्मू वेर इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाउंड दिस लिथियम डिपॉजिट, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज गोइंग टू बी यूज इन द बैटरी जो मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, लिथियम आयन बैटरी जो दूसरी बैटरी जो होती है उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। इट्स गॉट मेनी अदर एप्लीकेशन एंड दिस गोइंग टू बी अ बून फॉर आर नेशन इन टाइम टू कम। तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा सी होना चाहिए, सी शुड बी करेक्ट आंसर। 5F फॉर्मूला इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर, है ना, पीएम मित्र पाक गवर्नमेंट द्वारा कुछ समय पहले लॉन्च किए गए थे। तो इट इज पर्टिकुलर रिलेटेड टू टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में इट इज रिलेटेड टू 5F का मतलब समझ लीजिएगा, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, दिस इज द 5F फॉर्मूला। और इस ताल्लुक में गवर्नमेंट द्वारा 7 पीएम मित्र पार्क लॉन्च किए गए थे। पीएम मित्र का मतलब होता है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल, दिस पार्क्स वर लॉन्च बाय गवर्नमेंट। दिस वाज ब्रेन चाइल्ड ऑफ पीएम मोदी ओनली व्हेन ही वाज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, तब उनके द्वारा दिस 5F फंडा उनके द्वारा दिया गया। दिस 5F का मतलब होता है फार्म मतलब खेत से लेकर के फाइबर, फैक्ट्री, फैशन एंड फॉरेन। दिस वाज 5F दिस फंडामेंटल बेसिकली गिवन बाय पीएम मोदी, एंड दिस 7 पीएम मित्र पार्क जो है वो अनाउंस किए गए थे इन बजट। सो आंसर शुड बी टेक्सटाइल ओनली। क्वेश्चन नंबर 40 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इंडिया फर्स्ट 3D पोस्ट ऑफिस इज बिंग बिल्ट, मतलब इट हैज बीन बिल्ट इनफैक्ट नाउ, तो इट हैज बीन इनॉग्रेटेड। किस जगह पर ये 3D प्रिंट पोस्ट ऑफिस पहली बार इनॉग्रेट किया गया, मतलब हमारे देश में 3D के द्वारा एक पोस्ट ऑफिस पूरा की पूरा निर्माण किया गया। टू सिर्फ सम 2 और 3 मंथ्स का समय यहाँ पर लगा था। किस सिटी में इसे किया गया था, दिस वाज इन न्यूज़ फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, अर्ली इट वाज बीइंग बिल्ड देन इट वाज इनॉग्रेटेड सम टाइम बैक, इट इज इन ऑपरेशन राइट नाउ, इट वाज इन बैंगलोर। तो बेंगलुरु में दिस पर्टिकुलर प्लेस बेंगलुरु, वहां पर यह 3D द्वारा प्रिंट किया गया कंप्लीट, मतलब 3D ऑपरेशन के द्वारा ये पोस्ट ऑफिस पहली बार बनाया गया था। फूको पेंडुलम सस्पेंडेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन गैलरी एरिया एट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिसिस्ट, मतलब किस पर्टिकुलर देश के फिजिसिस्ट थे फूको, जिनका मतलब जिनके द्वारा बनाया वो पेंडुलम जो कि ओवरऑल जो रोटेशन ऑफ द अर्थ होता है ना उसको उसको वहां डिनोट कर रहा होता है। तो किस पर्टिकुलर देश के फिजिसिस्ट थे जिनके द्वारा ये पर्टिकुलर दिस फूको पेंडुलम स्थापित किया गया। दिस फूको पेंडुलम वॉज स्टार्टेड बाय मतलब इट वॉज मेड बाय क्रिएटेड बाय दिस लियोन फूको, ही वॉज फ्रॉम फ्रांस, है ना, और इलस्ट्रेट द अर्थ रोटेशन, अर्थ का रोटेशन जो होता है ना वो, और जो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है वहां पर दिस पर्टिकुलर पेंडुलम बिकेम दिस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर लॉन्गर टाइम। सो इट वॉज पार्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग एंड इट वॉज मेड बाय लियोन फूको, ही वॉज अ फ्रेंच फिजिसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 42 सेज हाउ मेनी टाइम्स सेंसस हैज बीन डिलेड इन इंडियाज हिस्ट्री, भारत के इतिहास में सेंसस कितनी बार डिले किया जा चुका है, मतलब कितनी बार ऐसा हुआ है कि इट वाज नॉट डन ऑन द पर्टिकुलर ईयर इट वाज अबाउट टू बी टेकन केयर ऑफ। तो कितनी बार इसमें डिले हुआ है, हाउ मेनी टाइम इट वाज डिलेड इन इंडियन हिस्ट्री, राइट, क्योंकि इस बार में देखा है 2021 में होने वाला था एंटिल इन 2023 इट इज नॉट बीन डन। तो इसके पहले यदि हुआ हो तो इंक्लूड करें, नहीं तो दिस गोइंग टू बी आर आंसर ओनली वंस दिस 2021 दिस सेंसस हैज बीन डिलेड, अर्लियर फ्रॉम 1881
till 2011, in every 10 year, without any disconnect, it was being taken care of, it was being done. But because of COVID-19, it was extended, and for various reasons, it has been extended further, and still in 2023, it has not been done. So this first time, delay has been there. डिले पहली बार यहाँ पर हुआ है. क्वेश्चन 43 बोलता है, किस साल में डबल डेकर बस, जो मुंबई में डबल डेकर बस चलती है, जो आपने कई सारी मूवीज में देखा होगा, मे बी यू हैव बीन पार्ट ऑफ इट, उसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया है. तो आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इट हैज बीन डिसकंटिन्यू, या इन विच ईयर इट वॉज स्टार्टेड. सो ये 83 वर्ष के बाद में, इनफैक्ट 86 ईयर्स के बाद में, 1937 में इसको स्टार्ट किया गया. इन आफ्टर 86 ईयर्स दीज डबल डेकर बस हैव बीन रिप्लेस, उनकी जगह पर इलेक्ट्रिक बस जो होती है ना, बैटरी बसेस वहां पर लाई जा रही है. तो आफ्टर 86 ईयर्स दीज डबल डेकर बसेस इन मुंबई हैव बीन डिसकंटिन्यूड, दे स्टार्टेड इन 1937 एंड नाउ दे हैव बीन रिप्लेस बाय द दिस बैटरी ऑपरेटेड बसेस वहां पर रिप्लेस कर दी जा रही है. कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 44, नेम इंडिया फर्स्ट रैपिड एक्स ट्रेन इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी टू मार्क द लॉन्च ऑफ RRTS, है ना, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम जिसको कहा जाता है, दैट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी फ्रॉम दिल्ली टू मुरैना. बेसिकली ये दिस पर्टिकुलर दिस दिस मेरठ, नॉट मुरैना, इट्स मेरठ. तो दिल्ली से मेरठ के बीच में अराउंड 82 किलोमीटर का फासला जो होता है, उसके लिए दिस आरआरटी सिस्टम हैज बीन लॉन्च. बट अभी 17 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है वहां के लिए दिस ट्रेन हैज बीन दिस इनॉग्रेट बाय पीएम मोदी. एंड नेम ऑफ द ट्रेन वाज आस्क्ड फ्रॉम यू, आपसे यहाँ पर जो ट्रेन है ना उसका नाम यहाँ पर पूछा गया था. तो नेम ऑफ द ट्रेन इज नमो भारत. नमो भारत ट्रेन वॉज रिसेंटली दिस फ्लैग्ड ऑफ बाय पीएम मोदी सम टाइम बैक. अभी 17 किलोमीटर का स्ट्रेच जो होता है उसे इनॉग्रेट किया गया, लेटर ऑन बाय नेक्स्ट ईयर इट इज गोइंग टू बी एक्सटेंडेड टू 82 किलोमीटर तक का, इसको आगे बढ़ाया जाएगा. यहाँ पर हमारा आंसर शुड बी नमो भारत ट्रेन, पीएम मोदी द्वारा अभी कुछ समय पहले लॉन्च की गई है. क्वेश्चन नंबर 45 सेज, प्राइवेट टीवी चैनल्स वुड हैव टू कंपल्सरली एयर प्रोग्राम्स ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स फॉर हाउ मेनी मिनट्स अ डे. प्रोग्राम्स ऑफ पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है कई सारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे कुछ संदेश होते हैं, मैसेजेस होते हैं जो गवर्नमेंट को डिलीवर करवाने होते हैं फॉर द पब्लिक, है ना, जो आम जनता के यूज के होते हैं बेसिकली, उनको कुछ इंफॉर्मेशन देनी होती है. तो वो सभी चैनल्स को, प्राइवेट टीवी चैनल्स को कंपल्सरली उसको ब्रॉडकास्ट करना है. उसका टोटल टाइम ड्यूरेशन फॉर अ डे इज अराउंड 30 मिनट्स. 30 मिनट तक दीज पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर्स, मतलब जो ये बोलना चाहिए कि जो ये मैसेजेस होते हैं वो प्राइवेट चैनल्स को रिले करने होंगे. दैट हैज बीन मेड कंपलसरी फॉर 30 मिनट्स अ डे फॉर प्राइवेट टीवी चैनल्स. क्वेश्चन नंबर 46 सेज, पब्लिक ब्रॉडकास्ट या प्रसार भारती रेडियो सर्विस जो होती है उसे अब किस नाम से बुलाया जाएगा, ऑल इंडिया रेडियो या कि फिर आकाशवाणी, या कि फिर दोनों बुला सकते हैं. तो अब इसमें देखिए, अभी तक क्या होता था कि ऑल इंडिया रेडियो बोला जाता है इसको, या कभी कभी आकाशवाणी बोला जाता है, बट देन आइडियली इट शुड ओनली बी कॉल्ड आकाशवाणी, क्योंकि इसका नाम पहले से आकाशवाणी कर दिया गया, एक्ट के ताल्लुक में इसको 1990 से ही बोला जाना चाहिए था आकाशवाणी ओनली. तो नाउ गवर्नमेंट इज मेड दिस फॉर्म, मतलब दिस इज बीन मेड कंपलसरी कि इट शुड ओनली बी कॉल्ड आकाशवाणी ओनली. तो डिसाइडेड टू ड्रॉप द रेफरेंसेस टू ऑल इंडिया रेडियो एंड सब्स्टिट्यूटेड द आकाशवाणी एंड मेंशन इन द लॉ व्हिच केम इन 1990 ओनली, कि आकाशवाणी मीन्स दिस ऑफिस स्टेशन अदर एस्टेब्लिशमेंट. यहाँ पर हमारा आंसर केवल आकाशवाणी होना चाहिए, बी शुड बी द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47 से, संस्कृत वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग वॉज रिलीज सम टाइम बैक. दिस पेट्रियोटिक सॉन्ग जब बोलते हैं, जो चार आपको ऑप्शन दिए गए थे, इसका एक संस्कृत वर्जन कुछ समय पहले रिलीज किया गया था. तो संस्कृत वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग वॉज रिलीज, कौन से सॉन्ग का संस्कृत वर्जन आया था, संस्कृत वर्जन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉन्ग, ट्राई आंसरिंग दिस, जस्ट गिव मी अ मिनट ओनली. चलिए, तो फोर ऑप्शन जो आपको यहाँ दिए गए थे, इसमें हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिस सॉन्ग वॉज फ्रॉम मूवी कर्मा, राइट, केम इन 1986 राइट.
इसमें जो गाना था हम जिएंगे और मरेंगे वतन तेरे लिए, दिस सॉन्ग हैज बीन ट्रांसलेटेड टू संस्कृत, है ना, इसका संस्कृत वर्जन कुछ समय पहले रिलीज किया गया, तो आंसर शुड बी सी ओनली, है ना। 1986 में आई थी मूवी कर्मा, सुभाष घई मूवी थी, वेरी फेमस मूवी, उसके सॉन्ग को संस्कृत में अभी तब्दील किया गया है। ट्रू नेट टेस्ट वो रिसेंटली अप्रूव्ड फॉर द यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। केरला में कुछ समय पहले निपा वायरस का इशू हुआ था, और निपा वायरस के ट्रू नेट टेस्ट मतलब उसका एक अल्टरनेट टेस्ट जो होता है जिसका रिजल्ट बहुत कम समय में लाया जा सकता है, उस टेस्ट को ट्रू नेट टेस्ट वहां पर बुलाया गया, और ट्रू नेट टेस्ट को केरला में कुछ समय पहले लॉन्च किया गया था, मतलब इट वॉज रिकमेंडेड फॉर केरला। दिस इज रॉन्ग आंसर, इट इज रिलेटेड टू केरला ओनली, जस्ट करेक्टेड। तो डी हमारा आंसर नहीं है, और आंसर है केरला ही है। दिस ट्रू नेट टेस्ट इज रिलेटेड टू निपा वायरस, निपा वायरस से रिलेटेड है, तो वहां पर इसे रिकमेंड किया गया था, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा केरला ही होना चाहिए, डोंट वरी, वो केरला ही यहाँ करेक्ट आंसर है। थ्रू फॉलोइंग सिटी हैज बीन नेम्ड एज अहिल्या नगर, किस जगह को कुछ समय पहले नाम परिवर्तित करके अहिल्या नगर कर दिया गया था, माता अहिल्या के नाम पर इस जगह का नाम चेंज किया गया, तो विच प्लेस वी आर टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर अहमदनगर का नाम परिवर्तित करके अहिल्या नगर कर दिया गया है कुछ समय पहले, डी शुड बी द करेक्ट आंसर हियर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी इन इंडिया, मतलब हम लोग यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हैं, तो वी ऑल नो द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी इन आर नेशन इज कांग्रेस, है ना, तो उसके बाद में कांग्रेस के बाद में कौन सी ऐसी पार्टी है जो दूसरी सबसे पुरानी पार्टी है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा अकाली दल। अकाली दल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर 1920, शिरोमणि अकाली दल जो हम बोलते हैं 1920 में स्थापित किया गया था, और कांग्रेस के बाद में इट इज द सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी, और इस पार्टी के जो एक बड़े लीडर थे प्रकाश सिंह बादल, जो लंबे समय तक पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे थे, उनका कुछ समय पहले देहांत हुआ था, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर थी, उससे हमारा आंसर होता है शिरोमणि अकाली दल इज द सेकंड ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ आर नेशन, सबसे पुरानी मतलब सेकंड ओल्डेस्ट पॉलिटिकल पार्टी वो कहलाती है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू नेम ऑफ मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन, वेरी इजी क्वेश्चन, इजी वन, है ना, आजादी का अमृत महोत्सव के दरमियान मुगल गार्डन जो है राष्ट्रपति भवन का, उसका नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान कर दिया गया, इट इज अमृत उद्यान, सॉरी यहाँ स्पेलिंग शायद गलत है, इट शुड बी अमृत उद्यान ओनली, है ना, तो आजादी के अमृत महोत्सव में नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान कर दिया गया है, डी हमारा यहाँ पर, सॉरी सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। विच रेलवे स्टेशन वॉज रिसेंटली अवार्डेड ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन, इनमें से किस रेलवे स्टेशन को कुछ समय पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेशन दिया गया है। पंजाब वाली पार्टी बिल्कुल परफेक्ट। विच रेलवे स्टेशन, इंदौर, हुबली, वारंगल, विजयवाड़ा आर द फोर ऑप्शन गिवन टू यू, करेक्ट बेटा, कलकत्ता इज नॉट इवन इन ऑप्शन, अच्छा हुबली, ओके ओके सॉरी, बट द करेक्ट आंसर बेटा यहाँ पर हमारा विजयवाड़ा शुड बी द करेक्ट आंसर, है ना, इट शुड बी इंदौर स्टेशन नहीं, इंदौर एज ए सिटी इज द क्लीनेस्ट सिटी इन द कंट्री, है ना, इन टर्म्स ऑफ एयर क्वालिटी बेस्ट इन द कंट्री, स्मार्ट सिटी इन द कंट्री, राइट, आई बिलोंग टू इंदौर, दैट इज व्हाई आई एम सो प्राउड ऑफ इट, बट देन द करेक्ट आंसर हियर इज विजयवाड़ा, विजयवाड़ा स्टेशन जो है ना उससे कुछ समय पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन जो है वो सर्टिफिकेशन दिया गया था, है ना, तो यहाँ करेक्ट आंसर हमारा डी होना चाहिए। विच स्टेट हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड डिस्कॉम्स टू सर्वे विलेजेस विथ ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट, देखिए क्या इसमें क्या हुआ था कि कई सारे विलेजेस में ना वो एलिफेंट्स से बचने के लिए वहां पर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दिया गया, कई सारे एलिफेंट वहां पर मारे गए, तो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट उनसे उससे बड़ा भी है, तो किस हाई कोर्ट द्वारा बोला गया था कि देयर शुड बी डिस्कॉम, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो होती है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती है, उनको बोला गया था कि यू नीड टू स्पीक टू द विलेजेस देयर, यू नीड टू कॉन्टेक्ट देम, यू नीड टू हैव सम, इसको बोला चाहिए सोल्यूशन टू दिस इशू, तो इसमें ओडिशा हाई कोर्ट हैज हैड गिवन दिस इंस्ट्रक्शन टू द डिस्कॉम कंपनीज टू स्पीक टू द रिलेटेड नो पॉपुलेशन देयर टू गेट द रिजोल्यूशन ऑफ दिस इशू, तो ओडिशा हाई कोर्ट टू स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन टू दैट, and then they told this discom companies and state to put place solar powered fences to curb the pollution of pachydermic matlab elephants, so our answer should be pretty soundly. Who became the first woman loco pilot in the Vande Bharat Express train, first woman loco pilot for the Vande Bharat Express train, she also was the first this female driver in 1988, India's first female driver in 1988, she was Surekha Yadav. Shurekha Yadav became the first woman loco pilot to run the Vande Bharat Express train sometime back. Question number 55 says world's first 200 meter long bamboo cash barrier, जो वहाँ पर कई बार आपने देखा हो तो हाईवे पर बैरियर लगे होते हैं 200
टू चेक दी फ्लो ऑफ दिस व्हीकल्स, है ना, वो उस ताल्लुक में उनको वहां लॉन्च किया जाता है। अभी कुछ समय पहले बाहुबली, बल्ली जो वर्ड है ना, बल्ली वर्ड नॉर्मली हिंदी हार्टलैंड में बल्ली वर्ड जो होता है ना बांस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको बाहुबली की जगह बाहुबली बोला गया। एंड दिस वॉज डन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में यहाँ पर दिस चंद्रपुर से यवतमाल के बीच में बाहुबली, दिस कंप्लीट दिस बाइफर्केशन थ्रू दिस बाम्बू क्रैश बैरियर वहां पर स्थापित किए गए थे, है ना। सो ये जो है हमारा आंसर यहाँ पर महाराष्ट्र में चाहिए, दिस पर्टिकुलर प्लेस महाराष्ट्र, वहां पर इसको सॉल्व किया गया था, है ना, क्रैश बैरियर फॉर परफेक्ट अल्टरनेटिव टू स्टील एंड एड्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न आफ्टर मंथ। एज पर यूएन रिपोर्ट द ओजोन लेयर इज स्लोली हीलिंग एंड विल टेक हाउ मेनी मोर ईयर्स टू कवर दैट होल इन अंटार्कटिका, है ना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वॉज लॉन्च इन ईयर 1987, है ना, बिकॉज इन दोज टाइम वी गॉट टू नो देर इज दिस पर्टिकुलर कंप्लीट होल एंड दैट वॉज बिकॉज ऑफ वेरियस क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोकार्बन और जो रेफ्रिजरेंट एरोसोल जो बोलते हैं उसके कारण पर दिस ओजोन होल वॉज क्रिएटिंग। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को लॉन्च करने के बाद में इट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोटोकॉल्स एवर लॉन्च, बिकॉज इसके सक्सेस से बोलती है कि उसके ताल्लुक में जो इसको लॉन्च किया गया तो ये सारे जो रेफ्रिजरेंट एरोसोल्स होते हैं इनके इस्तेमाल में कमी लाई गई एंड दिस रिजल्टेड इन दिस पर्टिकुलर होल इज गेटिंग, मतलब इट इज गेटिंग फिल्ड, मतलब इट इज इसको बोलना चाहिए ना हील हो रहा है वहां पर, बट स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम्स टू बी टेक, मतलब इसमें बहुत समय अभी लगने वाला है, इट विल स्टिल टेक अराउंड 43 ईयर्स, बाई ईयर 2066 ओनली दिस कंप्लीट द लेयर, वो थिन लेयर में हो चुकी है ना, इट इज गोइंग टू फिल्ड, इट विल फुल्ली रिकवर बाई 2066 ओनली, 2066 में रिकवर होगा। एंड दिस कंप्लीट प्रोसेस स्टार्टेड इन ईयर 1987 थ्रू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से प्रोसेस स्टार्ट हुई थी, इसके आने के बाद में इन पर्टिकुलर जो केमिकल्स होते हैं उनका उपयोग कम किया गया है, बट स्टिल समय लगने वाला है, 2066 तक का समय इसमें लगेगा। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, है ना, इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड द्वारा टॉप किया जाता है और भारत की रैंक यहां पर 40th रैंक अभी हुई है। वी स्टार्टेड फ्रॉम 81 इन ईयर 2015 एंड फ्रॉम 2015-81 से एट प्रेजेंट वी आर एट 40th पोजिशन, 40वें स्थान पर है। स्विट्जरलैंड इज द मोस्ट इनोवेटिव दिस कंट्री इन द वर्ल्ड एंड दिस रिपोर्ट इज रिलीज बाय वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट आती है। 85 से 40 पर हम आ चुके हैं, 40th इज आर प्रेजेंट रैंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज इंडिया रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की क्या रैंक है। हैप्पीनेस में भारत की रैंक होती है 126, 126 हमारी यहाँ पर रैंक है, राइट, 126। एंड इसमें सबसे ज्यादा हैप्पीनेस की हम बात करते हैं, फिनलैंड मार्क्स द फर्स्ट रैंक इन सिक्स ईयर इन रो, छठे साल लगातार फिनलैंड गॉट द फर्स्ट रैंक एंड इंडिया गॉट अ रैंक ऑफ 126। देन विच कंट्री टॉप द डिजिटल पेमेंट ऑफ द ईयर फॉर ईयर 2022, ऑब्वियसली इंडिया वेंट ऑन टू टॉप दिस डिजिटल पेमेंट फॉर ईयर 2022, मार्किंग 89.5 मिलियन ट्रांजेक्शन इन ईयर 2022, है ना। तो भारत ने इसमें टॉप किया था फॉर ईयर 2022। विच कंट्री टॉप ग्लोबल पीस इंडेक्स, किस देश द्वारा ग्लोबल पीस इंडेक्स, 15 साल से लगातार दिस कंट्री इज टॉपिंग द ग्लोबल पीस इंडेक्स, है ना, 15 साल से, फॉर 15 ईयर द सेम कंट्री इज टॉपिंग दिस इंडेक्स, इट इज आइसलैंड, declared the most peaceful country in the world for 15 time in succession, 15 साल से it is the number one country in the world, हमारी रैंक यहाँ पर होती है 126, 126 स्पॉट, है ना, लास्ट ईयर से थोड़ा बेहतर है, तो 126 आर रैंक, 21st इन द एशियन नेशन आउट ऑफ 26 एशियन नेशन एंड 126 ओवरऑल हमारी यहाँ पर रैंक होती है। आइसलैंड has topped it for 15th consecutive time. The following countries top the list of world's most criminal countries. दिस इज वन ऑफ द लिस्ट वेर इन वी आर डूइंग बेटर देन यूएस एंड अदर यूके, यूके यूएस से हम यहाँ पर बेहतर कर रहे हैं। दुनिया का सबसे क्रिमिनल कंट्री अगर बात करें तो इट इज वेनेजुएला, बट वेन वी टॉक अबाउट यूएस यूके तो देयर रैंक इज वर्स देन अस, राइट, है ना। तो यहाँ पर इंडिया स्टूडेंट 77 स्पॉट, बट वेन वी टॉक अबाउट यूएस एंड यूके दे आर एट 55th एंड 65th रैंक। वेनेजुएला इज द मोस्ट क्रिमिनल कंट्रीज में वेनेजुएला का टॉप स्थान यहाँ पर आता है। तो इंडिया हैज गॉट 77, बट देन यूएस एंड यूके हैज गॉट 55 एंड 65th रैंक। 62 says, who has topped the list of world's most admired countries, this companies in the world, world's most admired companies in the world by Fortune list. So, इसमें none other than Apple is the world's most admired company. सबसे ज्यादा जिसको मुझे प्रशंसा, सबसे ज्यादा जिसको बोलना चाहिए admired company जो होती है, वो यहाँ पर, this Apple is the most admired company in the world. Then 63rd says, what is India's ranking? ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की क्या रैंक होती है। यहाँ पर हमारी अनफॉर्चुनेटली वी गॉट अ रैंक ऑफ 111 आउट ऑफ 125 नेशन, 125 देशों में भारत की रैंक यहाँ पर
111 होती है, यू नो, विच इज लाइक दिस रैंक इज इवन वर्स देन मेनी ऑफ दी आर इवन मोस्ट ऑफ आर नेबर्स, इसमें इंक्लूडिंग पाकिस्तान वी आर टॉकिंग, ओनली अफगानिस्तान से हमारी थोड़ी बेहतर रैंक है, बाकी व्हेन वी टॉक अबाउट श्रीलंका, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, इन सब से हमारी रैंक जो है वो यहाँ पर खराब बताई गई है। उसके रीजन भी गवर्नमेंट द्वारा दिए गए, द क्राइटेरिया इज नॉट गुड, ओवरऑल केवल 3,000 लोगों से बात की गई, एंड ऑल दोस इश्यूज आर बीइंग गिवन, बट देन इंडिया गॉट अ रैंक ऑफ 111 आउट ऑफ 125 कंट्रीज, 125 देशों में हमारी आउट सॉरी 111 हमारी यहाँ रैंक होती है। ओवरऑल दुनिया भर का एवरेज यहाँ पर 18.3 के अराउंड होता है, आर एवरेज स्कोर इज 28.7। इसमें स्कोरिंग का ऐसा होता है कि द स्कोर विच इज क्लोजर टू जीरो इज गॉट अ बेटर रैंक, एंड स्कोर अवे फ्रॉम द जीरो इज नो उनकी रैंक ज्यादा होती है। तो यहाँ पर हमारी रैंक जो है वो 28.7 हमारा स्कोर, एंड 111 इज आर रैंक ओवर हियर। दिस ओवरऑल रैंक इज गिवन बाय कंसर्न वर्ल्ड वाइड, आयरिश एनजीओ एंड जर्मन कंपनी वेल्ट हंगर लाइफ के द्वारा ये रैंक दी जाती है। वी गॉट अ रैंक ऑफ 111 ओवर हियर। एंड इसमें जो तीन क्राइटेरिया होते हैं बेसिकली, इसमें मैलन्यूट्रिशन होता है, जिसमें चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग एंड दिस चाइल्ड मोर्टलिटी होता है। तो चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटिंग आर दैट कम्स अंडर सिंगल क्राइटेरिया ओनली। तो तीन अगर इसको हम देखें, उसमें चाइल्ड वेस्टिंग वाले पार्ट की हम बात करते हैं, तो उसमें आर रैंकिंग इज वर्स्ट इन ऑल द नेशन, सबसे खराब रैंक हमारी होती है, 18.7 इज आर स्कोर, दैट इज वर्स्ट अमंग ऑल द नेशंस, है ना। तो हमारी रैंक यहाँ पर 111 बोली गई है। देन आदित्य L1 विल बी प्लेस्ड एट L1 पॉइंट, लैग्रांज पॉइंट जो पांच होते हैं उसमें L1 पर आदित्य L1 को वहां पर प्लेस किया गया है। दिस क्वेश्चन आस्क कि आदित्य L1 विल बी प्लेस्ड बाय हाउ मेनी किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन, सन से, सूर्य से आदित्य L1 की दूरी कितनी होगी। क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन, आदित्य L1 इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां पर अगर ये सूर्य है, यहां आदित्य L1 है, तो इससे सूर्य से आदित्य L1 की दूरी आपसे यहां पर पूछी गई। दिस इज सन, दिस इज आदित्य L1, देन व्हाट इज द डिस्टेंस हियर, कितनी दूरी पर इसे रखा जाएगा और एस्टेब्लिश वहां पर किया जाएगा। देखिए सूर्य से पृथ्वी की दूरी 150 मिलियन दिस किलोमीटर इज देयर, उसमें से आदित्य L1 इज गोइंग टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मिलियन किलोमीटर, सो आदित्य L1 विल बी 148.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन, 548.5 किलोमीटर दूरी होगी आदित्य L1 की सूर्य से, 150 148.5, मैंने कहा ना ये सन, ये आदित्य L1 एंड दिस इज अर्थ, तो दिस पॉइंट इज 1.5 मिलियन किलोमीटर, एंड दिस एरिया, दिस डिस्टेंस इज 148.5 मिलियन किलोमीटर, राइट। तो ये हमारा आंसर होगा, 148.5 शुड बी, बेटा 1.5 मिलियन किलोमीटर ना ओवरऑल दूरी है, 1.5 किलो मिलियन किलोमीटर इज द कंप्लीट डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन, आदित्य L1 इज बिटवीन अर्थ एंड सन, बट इट इज मूव्ड ओनली 1% ऑफ द टोटल डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, 1% का ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो 1% इज 1.5 मिलियन, एंड यू सब्ट्रैक्ट 150 माइनस 1.5, इट विल गिव यू 148.5। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इट इज मोर लाइक ना मैथ्स वाला क्वेश्चन, राइट। चलिए, बाय विच ईयर पीएम मोदी हैज डायरेक्टेड इसरो टू लैंड अ मैन ऑन द मून, किस वर्ष तक, मतलब हम लोगों ने चंद्रयान मिशन अभी लॉन्च किया, सक्सेसफुल मिशन रहा, अनमैन मिशन था, तो मैन मिशन फॉर मून जो हमारे द्वारा सोचा जा रहा है, जिसको हम पीएम मोदी ने कहा है कि इट शुड बी लॉन्च बाय ईयर 2040, 2040 तक इसे लॉन्च करना है, मतलब दैट बीन इंस्ट्रक्टेड या बीन यू नो डायरेक्टेड बाय पीएम मोदी, सो दैट कैन बी लॉन्च बाय ईयर 2040, 2040 तक का इसमें यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है ना, मतलब पीएम मोदी द्वारा डायरेक्ट किया गया है। We are in the last leg. We are just, you know, 10 questions are left. The Shiv Shakti point on the moon provides a sense of connection from Himalaya to which place? And Taranga point symbolizes which of the following? You know, it's not the end. तो यहाँ पर जब पीएम मोदी ने स्टेटमेंट दिया था, तो उनके द्वारा कहा गया था कि जो शिव शक्ति पॉइंट है जहां पर लैंडिंग हुई है चंद्रयान की अभी, दैट इज द कनेक्शन बिटवीन हिमालय एंड कन्याकुमारी, तो दैट इन दोनों में से हमारा आंसर होगा। दूसरा बोला गया तो तिरंगा पॉइंट वो बोला गया जहां पर हमारा 2019 वाला जो बेटा, विच पार्ट यू वांट मी टू एक्सप्लेन अगेन अंशुमन, वे ओनली लेफ्ट विद अराउंड 10, 9 क्वेश्चंस वी आर लेफ्ट विद, तो मे बी अराउंड 10 मिनट्स वी आर गोइंग टू टेक मोर, बट अंशुमन विच पर्टिकुलर पॉइंट यू वांट मी टू एक्सप्लेन, That is what I'm asking. What do you want me to explain? चलिए, let me know. I'll explain. I'll come back to this at the end. Okay?
चलिए, हियरिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द शिव शक्ति पॉइंट की जब बात करते हैं, तो कन्याकुमारी, हिमालय टू कन्याकुमारी, एंड पीएम मोदी ने कहा था जो हमारा 2019 का जो पार्शियल फेलियर जो इसमें हुआ था, उस पॉइंट की हम बात करें तो दैट इज फेलियर इज नॉट द एंड, ये हमको इस नो तिरंगा पॉइंट से मालूम पड़ता है. तो देयर हमारा आंसर शुड बी बी ओनली. या समझ लीजिए, पीएम मोदी मेंशन शिव शक्ति पॉइंट कनेक्ट हिमालय टू कन्याकुमारी एंड तिरंगा पॉइंट सिग्निफाइज द फेलियर इज नॉट द एंड. तो यहाँ बी शुड बी द करेक्ट आंसर. डिस्टेंस ऑफ आदित्य, देखिए मैंने बार बार आपसे कह रहा हूं, अगर यहाँ पर सन है, आदित्य एल1 जो पॉइंट है ना, जिस एल1 पॉइंट की हम बात करते हैं, इट इज बिटवीन सन एंड दिस अर्थ. सन से अर्थ की जो दूरी है दैट इज 150 मिलियन किलोमीटर, एंड आदित्य एल1 सन की दूरी है 1.5 मिलियन किलोमीटर. तो ये डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, इट इज गोइंग टू बी 148.5 मिलियन किलोमीटर. दैट इज इट, ही क्लियर है ना. चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स बिकम द प्लैनेट विथ मोस्ट नंबर ऑफ मून्स. ये थोड़ा सा अपडेट रखना, फैब का डेटा हमें कुछ अलग आंसर देता है और मे का डेटा हमें अलग आंसर देता है. फैब का डेटा बोलता है जुपिटर शुड बी द आंसर, और मे का डेटा बोलता है सैटर्न शुड बी द आंसर. तो यहां पर सैटर्न शुड बी आर करेक्ट आंसर. किस प्लेनेट के सबसे ज्यादा मून है? तो रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर डिस्कवर्ड 62 न्यू मून्स ऑफ सैटर्न, व्हिच ब्रिंग्स द टोटल नंबर ऑफ मून्स ऑफ दिस टू 145. द सैटर्न गॉट इट्स मून क्राउन बैक फ्रॉम जुपिटर व्हिच हैज गॉट 95 मून्स. तो अर्लियर इट वाज सैटर्न, देन इट बिकेम जुपिटर, देन अगेन इट बिकेम सैटर्न. तो यहां पर करेक्ट आंसर ना सैटर्न ही होगा, क्योंकि फैब की न्यूज बोलती है कि जुपिटर शुड बी करेक्ट आंसर, मे की न्यूज बोलती है कि सैटर्न शुड बी करेक्ट आंसर. अपडेटेड वन शुड बी मे न्यूज, एंड दैट मेक्स आर सी एज द करेक्ट आंसर. क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रिपेयर अ डीएनए डेटाबेस फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज. किस पर्टिकुलर स्टेट द्वारा पहला डेटाबेस क्रिएट किया जा रहा है? दैट हैज बीन डिस्कस अर्लियर इन आवर सेशंस, और यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश होता है. अंशुमन, आई टेक एट द एंड ऑफ द दिस सेशन, आई टेक टाइम टू एक्सप्लेन दिस पार्ट अगेन, है ना. आई नो एट द एंड ऑफ द सेशन विल टेक केयर ऑफ दिट, या यू गो थ्रू इट अगेन, यू विल एनी वे, इट इज इजियर टू गेट नो गेट इट अंडरस्टैंड. चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 वी आर डन. देन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट किस स्टेट द्वारा लाया गया था? एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट वॉज ब्रॉट बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? इट वॉज स्टेट ऑफ केरला, सॉरी राजस्थान, आई एम वेरी सॉरी, केरला में. तो वहां पर स्टाइपेंड दिया गया ऑब्वियसली, तो स्टाइपेंड वाला अगर पूछते हैं तो केरला शुड बी आंसर. यहाँ पर आपको प्रोटेक्शन की बात की गई है, तो राजस्थान बिकेम द फर्स्ट इंडिया टू पास अ लॉ फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लॉयर्स. तो प्रोटेक्शन लॉयर्स की शुड बी राजस्थान ओनली, आई एम वेरी सॉरी, केरला का ऐसा है कि केरला में वहां पर ना स्टाइपेंड, जो अनएम्प्लॉयड की बात करें ना वहां पर लॉयर्स, तो उस ताल्लुक में वहां पर कुछ स्टाइपेंड की बात की गई. तो स्टाइपेंड के ताल्लुक में केरला, प्रोटेक्शन के ताल्लुक में इट इज दिस राजस्थान द्वारा बिल लाया गया, राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, है ना. सो यहां आंसर शुड बी राजस्थान ओनली. चर्चगेट स्टेशन इन मुंबई हैज बीन रीनेम्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? देखिए, चर्चगेट स्टेशन जो है ना, उसको सीडी देशमुख स्टेशन के नाम से, मतलब उसको रीनेम किया जा रहा है. क्यों किया जा रहा है? सीडी देशमुख जो थे ना, वो हमारे देश के पहले आरबीआई गवर्नर थे. लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू बिकम दी, मतलब फर्स्ट इंडियन आरबीआई गवर्नर. ओके, लेटर ऑन ही वेंट ऑन टू बिकम दी फाइनेंस मिनिस्टर, और ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर फॉर अराउंड 7-8 इयर्स, बट उनके द्वारा बाद में रिजाइन किया गया. क्यों रिजाइन किया गया था? व्हेन दिस स्टेट ऑफ बॉम्बे वाज बाइफर्केटेड, महाराष्ट्र गुजरात में जो बाइफर्केट किया जा रहा था, तो उनका उनके द्वारा विरोध किया गया था. तो अब गवर्नमेंट द्वारा उनके पर्टिकुलर एक्शन के लिए अप्रिशिएट करते हुए उनके नाम पर सीडी देशमुख स्टेशन, मतलब जो चर्चगेट स्टेशन है, उसको सीडी देशमुख स्टेशन किया जा रहा है. तो 1950 से 1956 के बीच में अराउंड 7 इयर्स ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर, अर्लियर ही वाज आरबीआई गवर्नर, देन ही रिजाइंड प्रोटेस्टिंग द बाइफर्केशन ऑफ स्टेट ऑफ दिस बॉम्बे इनटू महाराष्ट्र एंड गुजरात, और उस पर्टिकुलर इशू के लिए, मतलब उस पर्टिकुलर जेस्चर के लिए, अब उनके नाम पर चर्चगेट स्टेशन जो है वो कर दिया गया. तो इट विल बी कॉल्ड सीडी देशमुख स्टेशन इन टाइम टू कम. देन व्हाट इज द नेम ऑफ द स्कीम थ्रू विच वुमेन राइड नॉन प्रीमियम सर्विसेज फ्री इन कर्नाटक? तो कर्नाटक में इलेक्शन के पहले कांग्रेस द्वारा ये वादा किया गया था, सरकार में आने के बाद में उन्होंने शक्ति स्कीम लॉन्च करके वहां पर जो नॉन लग्जरी, जो बेसिकली जो प्रीमियम सर्विसेज जो होती हैं, उसको शक्ति स्कीम के नाम पर लॉन्च किया है. वहां पर इंटर स्टेट बसेस में महिलाओं को फ्री राइड भी, जो बेसिकली बोलना चाहिए ना, फ्री ट्रेवल की सुविधा वहां पर
दी गई है. तो स्टेट शक्ति स्कीम विच इज बी लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, कर्नाटका कांग्रेस गवर्नमेंट. व्हाट इज द न्यू काउंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन राजस्थान? बेटा ये ध्यान रख लीजिएगा, अगेन इस क्वेश्चन में चेंजेस कई बार आए हैं. तो जो नया काउंट है जो बोला गया राजस्थान में, तो वहां पहले इट वॉज 31 से 50 कर दिया गया था, 19 जिले बढ़ाए गए थे. फिर चुनाव के जस्ट पहले उसमें 3 जिले और बढ़ा दिए गए, 3 स्टेट्स हैव बीन इंक्रीज फर्दर. तो यहाँ करेक्ट आंसर जो हमारा होगा ना, इट शुड बी 53 ओनली, 53 करेक्ट आंसर होगा. ध्यान रखिएगा, 31 एडेड 19 बिकेम 50, देन एडेड 3 इट बिकेम 53. 53 शुड बी द करेक्ट आंसर हियर. ये क्लियर? चलिए, व्हाट इज द न्यू काउंट? द न्यू काउंट इज 53 ओनली. देन वो अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज बीन असाइन टू किरण रिजिजू. अब ध्यान रखिएगा, किरण रिजिजू इज नो मोर आर लॉ मिनिस्टर, है ना? हमारे लॉ मिनिस्टर जो है वो परिवर्तित हो चुके हैं. किरण रिजिजू को अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज दिया गया है, एंड अर्जुन मेघवाल जो है वो हमारे लॉ मिनिस्टर है. राइट, ही हैज बिकम द न्यू लॉ मिनिस्टर, एंड किरण रिजिजू हैज बिकम द मिनिस्टर ऑफ द अर्थ साइंसेज. ये थोड़ा याद रखना, कई लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर पुराना वाला ही आता है. तो हियर इन यू नीड एन अपडेट. राइट, चलिए. देन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चार्ज द अफेयर्स फॉर इंडियाज हाई कमीशन इस्लामाबाद. देखिए वहां पर परमानेंट जो मिनिस्टर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, मतलब हमारा वहां पर हमारे द्वारा कोई जो एम्बेसडर होते हैं वो नहीं भेजे गए, हाई कमीशनर वहां पर नहीं भेजे गए, उनकी जगह पर वहां पर एक तरीके से इंटरिम पोजिशन वहां पर क्रिएट हुई है. तो इस इंटरिम पोजिशन पर अभी गीतिका श्रीवास्तव बिकेम द फर्स्ट लेडी, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू हेड इंडियाज मिशन इन पाकिस्तान, मार्किंग अ वेरी सिग्निफिकेंट माइलस्टोन. तो पहली बार पाकिस्तान में किसी महिला अधिकारी को वहां पर ये कार्यभार सौंपा गया है. तो गीतिका श्रीवास्तव ऑफ 2055 दिस बैच बिकेम द फर्स्ट लेडी डिस्चार्ज अफेयर्स इन हाई कमीशन ऑफ इस्लामाबाद, है ना? वहां पर परमानेंट हाई कमिश्नर ना होकर के एक तरीके से इंटरिम पोजिशन वहां पर क्रिएट की गई है. विद दिस वी कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, मतलब नाउ वी आर एट द 75th क्वेश्चन ऑफ द डे. राइट, तो हियर इन आवर क्वेश्चन सेज हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट, बिकॉज मणिपुर हाई कोर्ट हैज बीन न्यूज फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. तो वहां पर नए चीफ जो जो बनाए गए, नए चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट किसको बनाया गया, हु हैज बीन बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट. अर्लियर इट वाज ही वाज जस्टिस एम बी मुरलीधरन, जो कि बेसिकली चेन्नई से है. तो ही हैज बीन ट्रांसफर टू कलकत्ता हाई कोर्ट, एंड नाउ जस्टिस सिद्धार्थ मुदगल हैज बिकम द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट. ये मणिपुर हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस यहां बने हैं. तो बी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर होना चाहिए. With this, we come to the end of the discussion. Herein, we have completed 75 questions, and I am very happy that most of you have been there and you are with a lot of enthusiasm answering. Great job! Now it's time you let me know the score, if you calculated how much were the correct answers. If you exceeded 60, great job done. नहीं तो फ्रॉम नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू मीट इन अराउंड 19-20 डेज में फिर से फॉर आर एलईटी सेशन वी आर गोइंग टू मीट. सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू गो थ्रू ऑल द वीडियोस आई टोल्ड यू, व्हिच आई टोल्ड यू दैट बिगनिंग वी स्टार्टेड विद विजडम, देन टॉप 1000 जीके क्वेश्चंस वर देयर, एंड देन क्लैट जीपीटी वी आर रनिंग फॉर सम टाइम. सो इन ऑल दीस वीडियोस दिस क्वेश्चंस हैव ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड, जहां से ये क्वेश्चंस लिए गए हैं. तो नेक्स्ट टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू मीट, वी आर गोइंग टू हैव अनदर सेट ऑफ 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. And your challenges, you should be able to score much better than this test. You know, you should be able to achieve the highest maximum in the coming test. That is the challenge you want to accept. वो challenge आपको यहाँ पर accept करना है. Great, great. Most of you are a great job, beta. 74 out of 75 is very good. मतलब you must have tracked it well. Right, चलिए. 53 बहुत अच्छे बेटा. 35 great job. But then you need to revise it well. Right. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग जो मिलने वाले हैं विद नेक्स्ट सेट ऑफ 75 क्वेश्चन, यू शुड बी एबल टू ऐड टू योर प्रेजेंट स्कोर, है ना? एंड फॉर दैट यू नीड टू गो थ्रू ऑल दीज वीडियोस, आपके पीडीएफ भी आपके पास अवेलेबल हो उनको पढ़िए, एंड ट्राई टू स्कोर वेल, बिकॉज एनी वे आई एम अगेन टेलिंग यू दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन क्लैट प्रिपरेशन टू. राइट, इट इज गोइंग टू बी वर्थ इट बेटा, बी अश्योर, डोंट वरी. काउंट नहीं किया, डोंट वरी, बट इट शुड, आई बिलीव दिस शुड हेल्प, दिस शुड प्रोवाइड वैल्यू एडिशन टू योर प्रिपरेशन. राइट, चलिए. तो विद दिस आई कंक्लूड माई टूडेज डिस्कशन. नेक्स्ट टाइम वेन वी मीट, योर स्कोर शुड बी मच हायर देन वॉट यू अचीव टूडे. जस्ट यू नीड टू गो थ्रू ऑल द वीडियोज एंड दिस पीडीएफ एंड द रिविजन पार्ट, एंड यू आर गोइंग टू डू वेल. मैंने आदित्य L1 वाला कंप्लीट डिस्कशन हुआ हुआ है, उसमें केवल ये है कि उसे L1 पॉइंट पर सेट किया गया है, जो कि हमारे पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर पर है. एंड दिस पॉइंट जो लैग्रांज पॉइंट होते हैं ना, वो ऐसे समय ऐसा पॉइंट होता है जहां पर उन बैलेंस्ड होते हैं सारे फोर्सेस.
तो वहां पर दे आर सस्पेंडेड विदाउट मच ऑफ एफर्ट. सो इट इज गोइंग टू बी प्लेस्ड एट एल1 पॉइंट व्हिच इज 1.5 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम अर्थ एंड 148.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम द मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द सन. दैट इज व्हाट इट इज. चलिए तो विद दिस थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन ऑफ यू. बेटा दीज क्वेश्चन आर एनी वे फ्रॉम आर अर्लियर डिस्कशन. दिस पीडीएफ ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड टू यू. आपके पास पीडीएफ इनकी होंगी, उन्हें ही आपको एक बार रिवाइज कर लीजिए. इट इज गोइंग टू हेल्प एंड आई कैन अश्योर यू, बट आई ट्राई टू प्रोवाइड द पीडीएफ फॉर दिस शॉर्टली. आई ट्राई टू प्रोवाइड द पीडीएफ फॉर दिस दिस पर्टिकुलर जिसको बोला चाहिए ना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा. लिंक यहाँ पर आपको मोस्ट ऑली मिल जाएगी शॉर्टली, है ना? तो गिव अस सम टाइम, आई प्रोवाइड द पीडीएफ, बट देन यू नीड टू गो थ्रू द प्रीवियस वीडियोज फॉर द फॉर द रिविजन पार्ट. ठीक है, चलिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स अ लॉट टू एवरीवन ऑफ यू. हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड डू प्रिपेयर, डोंट वेस्ट योर टाइम. चलिए, थैंक यू वेरी मच. गुड नाइट टू एवरीवन.